हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आई होप आपने अभी तक की अपनी क्लासेस कंप्लीट कर ली होंगी, अपने होमवर्क को कंप्लीट कर लिया होगा। तो अगर आप अब तक की सारी क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें लास्ट मैंने आपके साथ आई बिलीव क्लबिंग ऑफ इनकम का चैप्टर शेयर किया था, तो आज की इस क्लास में मैं आपके साथ एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। चैप्टर का नाम है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस। चैप्टर का नाम थोड़ा सा आपको अटपटा लग सकता है, बट अभी धीरे धीरे देखेंगे चैप्टर में हमें क्या क्या चीजें कवर करनी है, अल्टीमेटली क्या चैप्टर है, किस तरह के इसमें क्वेश्चंस बनते हैं और एट दी एंड इसमें क्या कॉन्सेप्ट्स कवर हैं। तो आइए आज की इस क्लास को शुरू कर लेते हैं। चैप्टर इज सेट ऑफ ऑफ लॉसेस एंड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस। सबसे पहले स्टार्टिंग इसका बैकग्राउंड समझेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम इसके प्रोविजंस पर आ जाएंगे। तो आइएगा क्लास को देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको चैप्टर का नाम दिखा देता हूं। चैप्टर का नाम है सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब होता है एक दूसरे को एडजस्ट कर देना, किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज से एडजस्ट कर देना। दूसरा है और, मतलब सेट ऑफ कर लिया, अब दूसरा नाम है और ये जो और के बाद नाम लिखा है ये अपने आप में पूरा नाम है। क्या लिखा है? कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। मतलब पहले आपको बोला गया कि आप सेट ऑफ करें, सेट ऑफ करने के बाद दूसरे नंबर पर आपको बोला गया कि आप उसको कैरी फॉरवर्ड करें और फिर सेट ऑफ करें। तो यहां पर जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो एक पूरा नाम है, और जो ऊपर मैंने डिफरेंट कलर से हाईलाइट किया वो आपका एक दूसरा नाम है। तो ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि सेट ऑफ क्या है, और दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ क्या है। तो छोटा सा एक बैकग्राउंड समझते हैं, फिर उसके बाद हम अपने इस चैप्टर पर वापस आएंगे। देखिए समटाइम क्या होता है, मान लीजिए आप ये कहते हैं जी मेरे पास लॉसेस आए हैं, मतलब मेरे पास लॉसेस हैं, मेरे पास इस बार इनकम नहीं है, मेरे पास इनकम की बजाय क्या आए हैं? लॉसेस। अब सरकार ये कहती है कि जब आप प्रॉफिट कमाते हैं, जब आप इनकम कमाते हैं तो हम आपसे इनकम पर टैक्स लेते हैं, लेकिन जब आप लॉसेस कमाएंगे तो क्या हम आपको उल्टा अपनी जेब से, मतलब सरकार कह रही है क्या हम अपनी जेब से आपको पैसे देंगे कि इस बार आपको इनकम नहीं हुई, इस बार आपको लॉस हुआ है, तो चलिए आप हमसे टैक्स ले लीजिए उल्टा? ऐसा नहीं होगा। तो सरकार ने यह बोला कि अगर आपको लॉसेस होते हैं तो आप इन लॉसेस की एडजस्टमेंट कर लीजिए, किससे? अपने प्रॉफिट से। मतलब हो सकता है कहीं पर आपको इनकम हो, कहीं पर आपको लॉस हो, तो जहां पर आपको इनकम हो आप उस इनकम से एडजस्टमेंट करवा लीजिए, किसकी? उन लॉसेस की जो आपको हुए हैं। और अगर मान लीजिए आपके प्रॉफिट्स, अगर मान लीजिए आपके प्रॉफिट्स सफिशियंट नहीं हैं या लॉ मना कर रहा है एडजस्टमेंट करने के लिए, तो उन लॉसेस को फिर आप नेक्स्ट ईयर के लिए भेज दीजिए। तो यही मेरा पूरा चैप्टर है। जब मैं कहता हूं एडजस्टमेंट कर लूंगा डिफरेंट किसी प्रॉफिट से, तो उसे मैं कहता हूं सेट ऑफ, कि ये मैंने क्या कर लिया? सेट ऑफ कर लिया। और जब मैं कहता हूं कि मेरे प्रॉफिट सफिशियंट नहीं है या लॉ की वजह से या किसी रेस्ट्रिक्शन की वजह से मैं अपने लॉसेस को एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूं, किससे? अपने प्रॉफिट से, तो वहां पर मैं उस लॉस को अगले साल के लिए भेज देता हूं। मैं बोलता हूं कि जब अगले साल मुझे प्रॉफिट्स होगा, प्रॉफिट्स होंगे, तब मैं इन लॉसेस की एडजस्टमेंट कर लूंगा। तो इसे हम कहते हैं कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। मतलब पहले क्या हुआ? सर पहले आपने सेट ऑफ किया और दूसरे नंबर पर आपने क्या किया? कैरी फॉरवर्ड किया। और कैरी फॉरवर्ड करके भी क्या किया? फिर कैरी फॉरवर्ड करके भी क्या किया? सेट ऑफ किया। तो यहां पर ये है मेरा एक नाम और ये है मेरा दूसरा नाम, और यही दो फेजेस हैं इस पूरे चैप्टर के। तो
तो पहले फेज में मैं आपको बताऊंगा कि सेट ऑफ कैसे करना है, किससे करना है, कब करना है, कितना करना है, ये सारे प्रोविजन सेट ऑफ के होंगे। और जब मैं कहूंगा कि स्टिल आपके लॉसेस, अभी भी आपके लॉसेस एडजस्ट नहीं हो पाए हैं इससे अगेंस्ट योर प्रॉफिट्स, सॉरी स्टिल आपके लॉसेस एडजस्ट नहीं हो पाए हैं किससे अगेंस्ट योर प्रॉफिट्स, तो उस केस में मैं बोलूंगा कि सर एक काम करो, इन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर दो, और कैरी फॉरवर्ड करने का मतलब अगले साल के लिए भेज दो। अब भेज दिए आपने, लॉसेस उठ के चले गए अगले साल, अब अगले साल क्या करेंगे, फिर अगले साल हम करेंगे सेट ऑफ। तो करना क्या है, करना तो सेट ऑफ ही है, करना तो सेट ऑफ ही है, करना तो एडजस्ट ही है, बस फर्क इतना है कि जब हम सेम ईयर में उसको एडजस्ट करते हैं, जिस ईयर में लॉसेस हैं, जिस ईयर में प्रॉफिट्स हैं, अगर मैं उन दोनों को आपस में मिला रहा हूं, आपस में एडजस्ट कर रहा हूं, तो वो कहलाता है आपका सेट ऑफ। और जब मैं कहता हूं कि नहीं, प्रॉफिट मेरा इस साल है बट लॉसेस मेरे पिछले सालों के हैं, हो सकता है पिछले एक साल के हों, दो साल के हों, तीन साल के हों, तो जितने भी सालों के आपके प्रॉफिट्स आए हैं, सॉरी लॉसेस आए हैं, तो उन लॉसेस को जब आप एडजस्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस। बताइए यहां तक कोई डाउट है किसी को? बड़ी बेसिक सी बात है स्टूडेंट्स, इस पूरे चैप्टर में खास बात यह है, चैप्टर बहुत छोटा सा है लेकिन बारीकियां बहुत ज्यादा है, आपको हर छोटी छोटी बात याद रखनी होगी कि किसको किससे एडजस्ट करना है, किसको किससे नहीं करना है, क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो सारी बातें हम देखेंगे अलग अलग प्रोविजंस में। और सबसे खास बात इस चैप्टर में, जब पूरा चैप्टर हम कवर कर लेंगे तो मैं आपको एक सिंगल पेज का एक चार्ट मैंने दिया हुआ है मेरी बुक में, वो पूरा चार्ट दूंगा, उस चार्ट में आप देखिए मैंने सारे प्रोविजंस को बड़े ही अट्रैक्टिव तरीके से वहां पर यस नो टिक मार्क क्रॉस राइट के फॉर्म में बना रखा है, जिससे कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ एग्जाम के टाइम पर रिवीजन में सारे प्रोविजन पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट 5 मिनट लगेंगे, केवल 5 मिनट, वो चार्ट देखिए, चार्ट देखने के बाद आपको पूरा पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा केवल 5 मिनट के अंदर, ये इस चैप्टर की खासियत है। बाकी चैप्टर्स 5 मिनट में रिवाइज नहीं होंगे लेकिन ये चैप्टर पूरा का पूरा 5 मिनट में रिवाइज हो जाएगा उस चार्ट के थ्रू, वो चार्ट हम बिल्कुल आखिरी में देखेंगे जब मैं सारे प्रोविजन आपको करवा दूंगा, उसके बाद हम समझेंगे। देखिए क्या होता है, मान लीजिए आपके पास, मैंने 5 हेड्स पढ़ाए थे अगर आपको याद होगा तो, मैंने आपको 5 हेड्स ऑफ इनकम पढ़ाई थी कि ये आपके हेड्स ऑफ इनकम होती हैं। सबसे पहला मैंने आपको पढ़ाया था, इफ यू रिमेम्बर, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाई थी इनकम अंडर हेड सैलरी, इनकम अंडर हेड सैलरी। दूसरे नंबर पर हमने क्या समझी थी, दूसरे नंबर पर हमने बात करी थी इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। तीसरे नंबर पर जो हमने हेड पढ़ा था वो क्या था, पीजीबीपी। फोर्थ नंबर पर हमारे सामने क्या था हेड, कैपिटल गेन। और फिफ्थ नंबर पर लास्ट हमने क्या पढ़ा था, अदर सोर्सेस। तो ये जो 5 आइटमें थी, ये जो 5 नाम थे, इसे मैं नाम देता हूं हेड्स ऑफ इनकम, ये मेरे लिए क्या कहलाती हैं, हेड्स ऑफ इनकम। यस और नो? यस। आज के बाद और आज से पहले भी मैं इन्हें क्या बोलता था, हेड्स ऑफ इनकम। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? सुनिएगा, एक आपको आज एक नई बात बता रहा हूं, सोर्सेज ऑफ इनकम, जिसे सुन के आपको लगेगा कि मैं शायद अदर सोर्सेज की बात कर रहा हूं, बट इट इज नॉट करेक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट दी सोर्सेज ऑफ इनकम। सो व्हाट इज दी सोर्सेज ऑफ इनकम, सपोज कीजिए आई एम वर्किंग इन मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, आई एम वर्किंग इन मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस, लेट से मैं जॉब नंबर 1 में काम करता हूं सुबह 2 घंटे, फिर मैं जॉब नंबर 2 में चला जाता हूं दोपहर को 2 घंटे, फिर मैं जॉब नंबर 3 में चला जाता हूं अगले 2 घंटे, पार्ट टाइम काम कर सकता हूं, और पार्ट टाइम भी मेरे लिए वो क्या है, इनकम अंडर हेड सैलरी ही है।
मैं जॉब नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 मल्टीपल जॉब्स में जा सकता हूं? प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली आप एक जॉब में रहते हैं या दो जॉब में रहते हैं, या ज्यादा से ज्यादा रहेंगे तो तीन में रह लेंगे। इससे ज्यादा आपकी कैपेबिलिटी नहीं होती कि आप मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन में एज ए एम्प्लॉय काम कर पाए। हालांकि प्रैक्टिकली तो या तो आप एक में ही रहते हैं या दो में ही रहते हैं, दो से ज्यादा तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर मैंने फिर भी आपके बहुत सारे जॉब क्रिएट कर दिए हैं जस्ट टू ईज योर अंडरस्टैंडिंग कि आप इसको समझ पाए। तो यहां क्या है, आपकी जो इनकम जॉब वन से आएगी वो आपकी इनकम अंडर हेड सैलरी ही कहलाएगी। आपको जो इनकम जॉब नंबर 5 से आएगी वो भी आपकी सैलरी की ही इनकम कहलाएगी। आपको जो इनकम जॉब नंबर 7 से आएगी वो भी आपकी सैलरी ही कहलाएगी। इसी तरह आपको किसी भी जॉब से इनकम आए, किसी भी जॉब से इनकम आए, वो सब आपके लिए क्या कहलाएगी, इनकम अंडर हेड सैलरी। बट ये जो अलग अलग जॉब्स हैं, ये जो अलग अलग जॉब्स आप यहां देख पा रहे हैं, दीज आर दी सोर्सेज ऑफ इनकम। ये आपके क्या है, सोर्स ऑफ इनकम है। और इनकम कौन से हेड की, सैलरी हेड की। तो इसे मैं क्या नाम दूंगा, ये मेरे लिए सोर्स वन है, ये मेरे लिए सोर्स टू है, ये मेरे लिए सोर्स थ्री है, इसी तरह ये मेरे लिए सोर्स नंबर 4 है, और ये मेरा सोर्स नंबर 5 है। तो ये मेरे क्या है, मल्टीपल सोर्सेज हैं, मल्टीपल सोर्सेज हैं जो कि मैं इनकम अंडर हेड सैलरी के अंदर ही लेके आ रहा हूं। तो अगर आप मुझे इस चीज को समराइज करना चाहें तो मुझे एक सिंगल लाइन में इसका आंसर दीजिएगा। अगर मैं इनकम अंडर हेड सैलरी कमाता हूं तो मेरे कितने सोर्सेज हो सकते हैं, हाउ मेनी सोर्सेज कैन बी देयर अंडर द इनकम अंडर हेड सैलरी, 1, 2, 3, 4 या एनी नंबर ऑफ सोर्सेज कैन बी देयर, एनी नंबर ऑफ सोर्सेज कैन बी देयर। सो यहां लिखिएगा, मोर देन वन सोर्सेज कैन बी देयर। क्लियर, एक या एक से ज्यादा सोर्स आपके पास हो सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, बट आप समझने के लिए तो इस चीज को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं ना, कि आप सुबह 5 घंटे एक कंपनी में जॉब करते हैं, अगले 5 घंटे आप दूसरी कंपनी में चले जाते हैं, उसके अगले 5 घंटे आप तीसरी कंपनी में चले जाते हैं, तो 3 सोर्सेज हो गए। बट प्रैक्टिकली एक या दो ही होते हैं, कोई भी पर्सन एक कंपनी में जॉब करते हुए दूसरी कंपनी में जॉब जनरली नहीं करता है। बट जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग आप मान सकते हैं, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है मानने में, इट माइट बी पॉसिबल कि आप एक शिफ्ट में एक कंपनी में काम करते हैं और दूसरे शिफ्ट में आप पार्ट टाइम कहीं और काम करते हैं। तो सैलरी के अंदर आपके मल्टीपल सोर्सेज हो सकते हैं, यस और नो। तो जब मैं कहता हूं कि आप मल्टीपल जॉब्स करते हैं तो इसका मतलब आपके मल्टीपल सोर्सेज हैं, मल्टीपल सोर्सेज हैं। सिमिलरली अब बात करते हैं हाउस प्रॉपर्टी की। क्या आपके पास जरूरी है मकान एक ही हो जिसे आपने किराए पर दिया है या जिसमें आप सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं? नो। हमने बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन करे थे जहां पर आपके पास 3 मकान थे जिसमें से हम 2 को क्या मानते थे, सेल्फ ऑक्यूपाइड, और 1 को क्या मानते थे, डीम टू बी लेट आउट या लेट आउट। तो जब आपके पास मल्टीपल हाउसेज होते हैं, मल्टीपल हाउसेज होते हैं, तो हर एक हाउस आपके लिए क्या बन जाता है, सोर्सेज ऑफ इनकम। विच इनकम, अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी इनकम, वो आपके लिए क्या बन जाता है, सोर्सेज ऑफ इनकम। और कौन से हेड में, हाउस प्रॉपर्टी के हेड में। देखिएगा, लेट्स से आपके पास हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। अब ये जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आपको आती है, ये आपको एक सोर्स से आती है जिसमें आपके पास मकान एक है, जिसमें आपके पास मकान नंबर 2 है, मकान नंबर 3 है, मकान नंबर 4, 5, 6, इस तरह से आपके पास मल्टीपल हाउसेज हैं। और ये जो मल्टीपल हाउसेज हैं, जरूरी तो नहीं हर हाउस आपको प्रॉफिट देता ही होगा, कुछ हाउसेज में आपको लॉसेस भी हो सकते हैं। सर लॉसेस कब हो सकते हैं, सुनिए, जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करते हैं, तो वहां पर अगर मान लीजिए आपका NAV 0 है,
तो आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन दी जाएगी, जो कि आपका इंटरेस्ट रहा मान लीजिए 24,000 एग्जाम्पल के लिए, तो आपको वहां पर क्या हो गया, 24,000 रुपए का लॉस हो गया। सो ये पॉइंट है जहां पर आपको लॉस हो सकता है, यस और नो? यस। सो माय पॉइंट इज दैट अगर आपके पास मल्टीपल हाउसेज हैं, मल्टीपल हाउसेज हैं, सो माइट बी कि किसी एक हाउस में आपको प्रॉफिट हो, किसी एक हाउस में आपको लॉस हो, किसी एक तीसरे मकान में आपको फिर प्रॉफिट हो, किसी फोर्थ हाउस में आपको फिर लॉस हो जाए, या आपको सभी हाउसेज में लॉस हो या सभी हाउसेज में प्रॉफिट हो, पॉसिबल है या नहीं है? बिल्कुल है। सो मैंने क्या किया, देखिए हाउस नंबर वन बनाया, मैंने बोला दिस इज अ प्रॉफिट, यहां पर मुझे इनकम हुई है। हाउस नंबर टू में मुझे इनकम हुई है, हाउस नंबर थ्री में इनकम है, हाउस नंबर फोर में मुझे लॉस हो गया, हाउस नंबर फाइव में मुझे इनकम है, सिक्स में इनकम है, सेवन में मुझे लॉस हो गया, एट में इनकम है और नाइन में फिर से मुझे क्या हुआ, लॉस हो गया। तो यहां पर मैंने जस्ट क्या आपको समझाने की कोशिश करी कि आपके पास मल्टीपल हाउसेस हो सकते हैं और मल्टीपल हाउसेस में कुछ मकान आपके लॉस मेकिंग हो सकते हैं और कुछ मकान आपके इनकम वाले भी हो सकते हैं। सो यू शुड यू मस्ट हैव अ फ्यू मोर देन वन हाउसेस जिसमें से कुछ मकान लॉसेस के होंगे, कुछ मकान आपके इनकम वाले होंगे। सर ये इनकम और लॉस आपने सैलरी में तो बताया ही नहीं, यहां आप नई बात बता रहे हो, सैलरी में आपने नहीं बताया कि कुछ सैलरी इनकम लॉस वाली होंगी और कुछ सैलरी इनकम प्रॉफिट वाली होंगी, सैलरी में ऐसा नहीं होता। आप क्या कहना चाह रहे हैं यहां पर कि आप कहीं जॉब करने गए और वहां पर आपने उल्टा एम्प्लॉयर को पैसे दे के काम किया कि एम्प्लॉयर तुम मुझे सैलरी मत दो, आई विल पे यू दी सैलरी, क्योंकि तुम मुझे काम पे रख रहे हो इसलिए मैं तुम्हें सैलरी दूंगा। इट इज नॉट लाइक दैट। तो सैलरी के अंदर लॉसेस आर नॉट पॉसिबल, सैलरी के अंदर या तो इनकम होगी या इनकम नहीं होगी, बट लॉसेस नहीं होंगे। भाई या तो आप ये बोलेंगे सैलरी के अंदर मैं किसी के लिए फ्री में काम कर रहा हूं, या आप ये बोलेंगे कि मैं उससे पैसे लेके काम कर रहा हूं, बट आप ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना किसी को कि मैं वहां काम कर रहा हूं और काम करने के लिए मैं पैसे भी दे रहा हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं काम कर रहा हूं और काम करने के लिए मैं पैसे भी दे रहा हूं, नहीं होता ऐसा, कहीं भी नहीं होता। इवन जब आप अपनी आर्टिकलशिप में भी जाएंगे तो वहां पर भी आप देखिएगा, जब आप आर्टिकलशिप में जाते हैं तो आपको स्टाइफंड मिलता ही है, आपको देना नहीं होता कुछ। ऑल्दो आपके जो कन्वेंस के एक्सपेंसेस हैं माइट भी खर्च हो जाए, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जाने में आपका ज्यादा खर्चा हो जाए, बट स्टिल दैट देयर विल बी नो एनी सिचुएशन जहां पर आप ये बोलेंगे कि सर मेरा एम्प्लॉयर मुझसे उल्टा पैसे लेता है क्योंकि मैं उसके यहाँ काम करता हूं, ऐसा नहीं होगा। वो आपको या तो पैसे देगा या नहीं देगा, बट उल्टा आपसे लेके नहीं करवाएगा। हाँ मैं डमी आर्टिकलशिप को नहीं ट्रीट कर रहा हूं, डमी आर्टिकलशिप में ऐसा ही होता है कि आप उल्टा पैसे देते हैं ताकि वो आपको ट्रेनिंग दे दे, मतलब डमी ट्रेनिंग दे दे। शायद आप लोगों में से अभी कुछ लोगों ने डमी वर्ड नहीं सुना होगा, बट जब आप अपनी आर्टिकलशिप एक्सपोजर में आएंगे तो फ्यू ऑफ द बैड स्टूडेंट्स, मतलब कुछ बेकार स्टूडेंट्स होते हैं हमारे इस करिकुलम में, वो डमी को थोड़ा सा प्रेफर करते हैं। मैं बिल्कुल अवॉइड करूंगा कि आप डमी आर्टिकलशिप कभी भी करें, कहीं से भी ना करें डमी। डमी एक बहुत बड़ा पाप है जिस पाप में आप भागीदार ना बने। तो डमी में क्या होगा, डमी में स्टूडेंट बोलेगा अपने प्रिंसिपल को कि सर मेरे से पैसे ले लो और मुझे आर्टिकलशिप दे दो, तो वो केस मैं कवर नहीं कर रहा हूं। सो आई एम टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल एक्सपोजर कि आपको जॉब में कभी लॉस नहीं होते, जॉब में आप हमेशा प्रॉफिट में आते हैं या नील सिचुएशन में आते हैं, कभी भी आपको लॉसेस नहीं होते। क्लियर है सर? आपने हाउस प्रॉपर्टी भी बता दिया कि हाउस प्रॉपर्टी में मेरे सोर्सेस क्या हैं। सो मैं क्या बता रहा हूं आपको, मैं आपको यहां पर बता रहा हूं स्टूडेंट्स व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इनकम, मेरे सोर्सेस ऑफ इनकम क्या होंगी। मतलब मैं एक हेड के अंदर अगर मल्टीपल सोर्सेज रखता हूं तो वो मेरे लिए क्या कहलाएंगे, सोर्सेज। मान लीजिए जॉब, मल्टीपल जॉब्स हैं तो मेरे पास दो सोर्स हैं, तीन सोर्स हैं, चार सोर्स हैं, एक्सेट्रा। अगर हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो मेरे पास
एक मकान है तो एक सोर्स है, दो मकान है तो दो सोर्स हो गए, तीन मकान हो गए तो तीन सोर्स हो गए। तो ये मेरे क्या है, सोर्सेस ऑफ इनकम। एक ही हेड के अंदर जब आपके पास मल्टीपल सोर्सेस आ जाते हैं तो वो आपके क्या कहलाते हैं, सोर्सेस ऑफ इनकम। क्लियर है हम यहां तक? कोई भी डाउट किसी भी तरह का प्लीज पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसी से पूरा चैप्टर आपका, इसी पर पूरा चैप्टर आपका डिपेंड है। अगर आपने यहां गलती करी या समझने में कोई मिस्टेक हो गई तो आपको चैप्टर शायद इजीली समझ ना आए। सो नेक्स्ट देखिएगा, अब बात कर लेते हैं पीजीबीपी में। सो लेट अस से आप एक बिजनेस करते हैं, एक दूसरा बिजनेस भी आप करते हैं, इसी तरह आपके पास तीसरा बिजनेस भी है। भाई बिजनेस की कोई लिमिट तो नहीं है, आप एक बिजनेस कर सकते हैं, आप साथ के साथ दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, आप मल्टीपल बिजनेसेस कर सकते हैं। सो जब आप ये कहते हैं कि मेरे पास मल्टीपल बिजनेसेस हैं, मोर देन वन बिजनेस है, तो इसका मतलब ये सब क्या है आपके लिए, सोर्सेज ऑफ इनकम अंडर हेड पीजीबीपी। मैं यहां पर अदर सोर्सेज की बात नहीं कर रहा हूं, उसका नाम क्योंकि अदर सोर्सेज है उससे मिक्स मत करिएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन यू आर वर्क्ड इन अ सिंगल हेड। जब आप एक सिंगल हेड को पकड़ते हैं, पीजीबीपी हेड को पकड़ा, और आप ये कहते हैं कि पीजीबीपी हेड में मेरे पास मल्टीपल बिजनेसेस हैं, मल्टीपल प्रोफेशंस हैं, तो वहां पर जो आपको मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं वो ये पॉइंट है कि देयर आर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। अब माइट बी जब आप एक बिजनेस में देखते हैं तो वहां पर आपको लॉस हो, माइट बी जब आप दूसरे बिजनेस को देखें तो वहां पर आपको प्रॉफिट हो, आप तीसरे बिजनेस में देखें तो वहां आपको लॉस हो, इसी तरह फोर्थ बिजनेस में आप देखें तो वहां आपको प्रॉफिट्स हो। और इवन यहां तक की भी बात सुनिएगा, बिजनेस में भी दो बातें होती हैं, एक स्पेक्यूलेटिव और एक नॉन स्पेक्यूलेटिव। तो ये भी आपके लिए क्या है, सोर्सेज ही तो हैं, स्पेक्यूलेटिव और नॉन स्पेक्यूलेटिव। तो मान लीजिए आप स्पेक्यूलेटिव में भी दो बिजनेस करते हैं तो आपके, मैं ये कहूंगा कि स्पेक्यूलेटिव बिजनेस के कितने सोर्स हो गए, दो सोर्स हो गए। आप मान लीजिए नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस में भी दो बिजनेस करते हैं, तीन बिजनेस करते हैं, तो मैं क्या बोलूंगा कि यहां पर आपके तीन सोर्सेज हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो बिजनेस को मैंने दो पार्ट्स में बांटा, एक स्पेक्यूलेटिव और एक नॉन स्पेक्यूलेटिव। अब नॉन स्पेक्यूलेटिव के भी अंदर जब आप कहते हैं मेरी ब्रांचेस हैं, एक बिजनेस, दो बिजनेस, तीन बिजनेस, पांच बिजनेस, तो ये पांच आपके क्या बन जाते हैं, सोर्सेज बन जाते हैं। और इसी तरह जब आप स्पेक्यूलेटिव को पार्ट में बांटते हैं कि मेरा एक बिजनेस दिल्ली में है कपड़े का, एक मेरा बिजनेस है ऑटोमोबाइल का, एक मेरा बिजनेस है टेक्सटाइल का, एक मेरा बिजनेस है गारमेंट्स का, एक मेरा बिजनेस है लेट से कोई और आइटम का, एफएमसीजी का, तो यहां पर ये सब क्या है आपके, सोर्सेज हैं। ये सब क्या है आपके, सोर्सेज हैं। अब इसमें ये भी पॉसिबल हो सकता है कि एक सोर्स में आपको लॉस हो, एक सोर्स में आपको प्रॉफिट हो, एक सोर्स में आपको फिर लॉस हो जाए और किसी और सोर्स में आपको प्रॉफिट हो जाए। हो सकता है सभी सोर्सेज में लॉस हो जाए, हो सकता है सभी सोर्सेज में प्रॉफिट हो जाए। तो इट ऑल डिपेंड ऑन द सिचुएशन टू सिचुएशन। मुझे अभी आपको केवल ये समझाना है कि देयर माइट बी मल्टीपल सोर्सेज अंडर अ डिफरेंट डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम। क्लियर है हम यहां तक? सिमिलरली कैपिटल गेन आता है। अब कैपिटल गेन में कैसे आता है, देखो दो कैपिटल गेन मैंने आपको समझाए थे, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। अब मान लीजिए शॉर्ट टर्म में दो है, एक आपने शेयर को बेचा है, एक आपने लैंड एंड बिल्डिंग को बेचा है, तो ये आपके क्या है, सोर्सेज ही तो हैं। भाई शेयर पर आपको इनकम हो गई और लैंड एंड बिल्डिंग बेचने से आपको लॉस हो गया, तो ये आपके सोर्सेज ऑफ इनकम है। ये आपका सोर्स वन है, ये आपका सोर्स टू है। लॉन्ग टर्म में आपने शेयर्स बेचे, शेयर्स बेचने से आपको प्रॉफिट हो गया, तो ये आपका सोर्स वन हो गया। और जो आपने लैंड एंड बिल्डिंग बेची, यहां पर आपको इनकम हो गई, तो ये आपका सोर्स टू हो गया। बताइए यहां पर भी क्या सोर्सेज हो सकते हैं, हो सकते हैं, यहां पर सोर्सेज हो सकते हैं। इवन देखिए स्टूडेंट्स, आप पांचों हेड्स उठा के देख लीजिए, पांचों हेड्स में मल्टीपल सोर्सेज हो सकते हैं। बस आपको क्या करना है,
आपको अपनी समझदारी से आइडेंटिफाई करना है कि मेरे यहां पर कितने कितने सोर्सेज हैं। मेरी बात को ध्यान रखिएगा, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जब मैं कैपिटल गेन की बात करता हूं तो ये जो लॉन्ग टर्म है और ये जो शॉर्ट टर्म है ये मेरे सोर्स नहीं है, ये मेरे माइनर हेड हैं। मेरा मेन हेड हो गया कैपिटल गेन और उसके अंदर माइनर हेड हो गया लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। लिखिएगा इस बात को यहां पर, मैं यहां लिखवा देता हूं। व्हेन आई से कैपिटल गेन, तो सबसे पहले कैपिटल गेन है, ये मेरा क्या है, हेड, हेड ऑफ इनकम। इसके नीचे जब मैं जाता हूं और मैं कहता हूं लॉन्ग टर्म, और इसके दूसरे पार्ट पर मैं जब मैं जाता हूं और कहता हूं शॉर्ट टर्म, तो ये मेरे लिए क्या कहलाते हैं, ये मेरे लिए कहलाते हैं माइनर हेड। लेकिन जब मैं इसको फर्दर स्प्लिट कर देता हूं सोर्स वन, सोर्स टू, सोर्स थ्री, तो ये मेरे लिए क्या कहलाते हैं, सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। जब मैं शॉर्ट टर्म को भी मल्टीपल स्प्लिट कर देता हूं थ्री पार्ट्स में, एस वन, एस टू, एस थ्री, तो ये मेरे लिए क्या कहलाते हैं, सोर्सेज ऑफ इनकम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस एज द केस मे बी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिमिलरली जब मैं बिजनेस की बात करता हूं तो ध्यान रखिएगा, बिजनेस के अंदर भी दो चीजें हैं, स्पेक्यूलेटिव, नॉन स्पेक्यूलेटिव। तो आप स्पेक्यूलेटिव और नॉन स्पेक्यूलेटिव को सोर्स मत मानिएगा, दीज आर नॉट सोर्सेज, दीज आर माइनर हेड, दीज आर माइनर हेड। और ये क्या है मेरा मेन हेड, हेड ऑफ इनकम। तो जब इसके अंदर मल्टीपल बिजनेसेस आते हैं एस वन, एस टू, एस थ्री, तो ये मेरे लिए क्या कहलाते हैं, सोर्सेस। इसी तरह इसके नीचे जब दो अलग अलग सोर्सेस आ जाएंगे एस वन, एस टू, तो ये मेरे लिए क्या कहलाएंगे, सोर्सेस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब इसी तरह हमारे पास आते हैं अदर सोर्सेस में भी मल्टीपल सोर्सेस। अदर सोर्सेस जो मेरा मेन हेड है उसके अंदर भी मल्टीपल सोर्सेस हैं। जैसे मान लीजिए पहला सोर्स मैं आपको बोलूं डिविडेंड, आपको डिविडेंड मिला तो डिविडेंड में आपको इनकम हो गई, ये आपके लिए एक सोर्स है, एस वन हो गया। आपको दूसरा इनकम आता है इंटरेस्ट से, तो ये आपके लिए एस टू हो गया, ये आपका सोर्स टू है। आपको एक इनकम आती है रेस हॉर्स से, तो ये आपके लिए एस थ्री हो गया, ये आपका तीसरा सोर्स है। एक इनकम आप लेके आते हैं मान लीजिए लॉटरी से, तो ये आपके लिए एस फोर है, ये आपका सोर्स फोर है। एक इनकम आप लेके आते हैं और मुझे बताइएगा विनिंग फ्रॉम केबीसी, तो ये आपके लिए सोर्स नंबर पांच है, ये एक आपका डिफरेंट सोर्स है। और आपको इनकम आती है गिफ्ट से, तो ये आपके लिए एक सोर्स नंबर सिक्स हो गया, ये आपका एस सिक्स हो गया। आप समझ पा रहे हैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, कि आपका जो हेड ऑफ इनकम है वो आपका वही रहेगा जो अभी तक आपने पढ़ा है, इनकम अंडर हेड सैलरी, इनकम अंडर हेड पीजीबीपी, सॉरी इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी, देन पीजीबीपी, देन कैपिटल गेन, और उसके बाद अदर सोर्सेस। लेकिन जब इन हेड्स को हम मल्टीपल नीचे और ड्रिल करते हैं और इसकी डिटेल में जाते हैं, देन वी केम टू नो कि इसके नीचे तो अभी माइनर हेड भी बैठा है, माइनर हेड के और नीचे जाते हैं तो उसके नीचे क्या बैठे हैं, सोर्सेस। और ये जो सोर्सेस हैं ये क्या हैं, दीज आर नथिंग, दीज आर जस्ट दी सोर्सेस ऑफ इनकम, सोर्सेस ऑफ इनकम, दीज आर नॉट हेड्स ऑफ इनकम, दीज आर सोर्सेस ऑफ इनकम। तो पहले आप अपनी शुरुआत किससे करते हैं, हेड से या सोर्सेस से, सोर्सेस से। पहले आप क्या बोलेंगे, आपके पास कोई क्लाइंट आया है, क्लाइंट से आप पूछेंगे बताओ मकान कितने हैं आपके पास, वो कहेगा मेरे पास चार मकान है। फिर आप पूछेंगे अच्छा चारों मकान की अलग अलग डिटेल बताओ मेरे को,
आप पहले मकान में देखेंगे प्रॉफिट है या लॉस है, दूसरे में देखेंगे प्रॉफिट है या लॉस है, तीसरे में देखेंगे प्रॉफिट है या लॉस है, फोर्थ में देखेंगे प्रॉफिट है या लॉस है, या आप उसको ये बोलेंगे चारों मकान का इकट्ठा कर लो और सारी बातें इकट्ठी करते 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 नेट बता दो कितना है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में आपने ये बात अच्छे से भी पढ़ी थी कि आप हर यूनिट को डिस्टिंक्ट यूनिट मानेंगे, डिफरेंट हाउस मानेंगे और हर यूनिट की कैलकुलेशन अलग करेंगे, आप सभी को मिक्स करके नहीं करेंगे, ऐसा ही था। सिमिलरली बिजनेसेस में आपके पास मल्टीपल बिजनेस है तो आप सब बिजनेस को कंबाइंड करके तो काम नहीं करेंगे, आप हर बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अलग बनाएंगे, देन बाद में उसको कंबाइंड कर देंगे। कैपिटल गेन में आइए, अब आपने ज्वेलरी बेची और आपने लैंड एंड बिल्डिंग बेची, तो आप ज्वेलरी और लैंड एंड बिल्डिंग को मिलाकर तो कंप्यूटेशन नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे ज्वेलरी की कंप्यूटेशन अलग करेंगे, बिल्डिंग की कंप्यूटेशन अलग करेंगे। सो दीज आर दी सोर्सेज ऑफ इनकम। व्हेन आई से इनकम तो इनकम का मतलब है लॉस भी, तो हो सकता है एक सोर्स में आपको प्रॉफिट हो, इनकम हो सकता है दूसरे किसी सोर्स में आपको लॉस हो जाए। तो यहां पर अब मेरा चैप्टर शुरू होगा जब मैं आपको ये बताना शुरू करूंगा कि अगर आपके पास एक हेड के अंदर जो अलग अलग सोर्सेज हैं S1, S2, S3, तो यहां आपको प्रॉफिट है, यहां आपको लॉस है, यहां आपको प्रॉफिट है, तो अब मेरा सवाल ये है जो मेरा चैप्टर बनेगा और जिसका मैं डिस्कशन आज की इस पूरी क्लास में आपसे करूंगा कि क्या मैं अपने S2 सोर्स 2 में जो लॉस हुआ है, जो मेरे को सोर्स 2 में लॉस हुआ है, क्या मैं इस लॉस को इससे या क्या मैं अपने इस लॉस को इससे एडजस्ट कर सकता हूं या नहीं कर सकता, ये मेरे को बताएगा चैप्टर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। तो चलिए पहले इतना ही रखते हैं इसको, ये मुझे बताएगा मेरा चैप्टर सेट ऑफ ऑफ लॉसेस। इस चैप्टर को मतलब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि क्या मैं एडजस्ट कर सकता हूं या नहीं, मैं पहुंचूंगा सेट ऑफ ऑफ लॉसेस के चैप्टर पर और मैं उससे पूछूंगा प्लीज मेरा मार्गदर्शन करिए, प्लीज मुझे बताइए कैन आई एडजस्ट दी सच लॉसेस, कैन आई एडजस्ट दी S2 लॉसेस अगेंस्ट दी इनकम ऑफ S1 एंड S3, क्या मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, मैं इस चैप्टर से ये सवाल पूछने जा रहा हूं आज, मुझे एक सोर्स में लॉस हो गया, मुझे एक मकान में लॉस हो गया, तो बताइए क्या मैं अपने बाकी दो मकानों के प्रॉफिट से इस लॉस को एडजस्ट कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो मुझे ये सेक्शन बताएगा, मुझे ये चैप्टर बताएगा कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो क्या कंडीशंस हैं करने के लिए, नहीं कर सकते हैं तो क्या दिक्कतें हैं। खैर नहीं करने पर वो मना ही कर रहे हैं, नहीं कर सकते तो नहीं ही कर सकते, ठीक है, क्लियर है हम यहां तक। नेक्स्ट, जब मान लीजिए मैंने S1 S2 S3 की बात पढ़ ली, मैंने बोला S1 में मुझे प्रॉफिट है, S2 में मुझे लॉस है और S3 में मेरे को फिर प्रॉफिट है, तो अब लॉ ने बोला कि यहां आपको 20,000 का प्रॉफिट है, यहां आपको 30,000 का प्रॉफिट है, लेकिन यहां पर आपको 80,000 का लॉस है, 80,000 का लॉस है, तो अब देखिए बेचारों को मैंने एडजस्ट करवा दिया, मैंने बोला तुम एडजस्ट हो जाना, लेकिन अभी भी कमी पूरी नहीं हुई, अभी भी कमी पूरी नहीं हुई। मेरे पास प्रॉफिट कितने थे, 20,000 और 30,000, तो मैंने यहां लिखा प्रॉफिट्स कितने हैं S1 और S3 में, 20 और 30, टोटल 50, लेकिन लॉस कितना है S2 में, 80, तो क्या मैं 50,000 पूरे यूटिलाइज कर गया, कर गया, लेकिन अभी भी मेरे लॉस 30,000 रुपए के पड़े हुए हैं, अभी भी मेरे लॉस 30,000 रुपए के पड़े हुए हैं। अब मैं ढूंढ रहा हूं
मेरे ही घर के अंदर कोई तीसरा चौथा पांचवा सोर्स मुझे मिल जाए। लेकिन आपके पास कितने सोर्स थे? केवल तीन, S1, S2, S3। अब आप ढूंढने निकले, आप बाजार में गए हैं ढूंढने, आप अपनी जेबें चेक कर रहे हैं कि मेरे पास कोई S4 मिल जाए, लेकिन S4 नहीं है आपके पास। आप ढूंढ रहे हैं S5 मिल जाए, S5 नहीं है आपके पास। अब जब थक हार जाएंगे और आपके पास कोई सोर्स नहीं बचेगा, तो आप किससे मदद मांगेंगे? पड़ोसी से। किससे मांगेंगे? पड़ोसी से। और पड़ोसी कौन है आपके? पड़ोसी कौन है आपके? हाउस प्रॉपर्टी के पड़ोसी कौन है? पड़ोसी मतलब होता है इर्द गिर्द के लोग। तो इर्द गिर्द में कौन है आपके? सैलरी। और कौन है? PGBP। और कौन है? कैपिटल गेन। और एक और पड़ोसी है आपका, कौन? अदर सोर्स। तो अब ये जो हाउस प्रॉपर्टी में आपका लॉस बच रहा है, लॉस बच रहा है किसके बाद? किसके बाद? अपने ही सोर्सेस की एडजस्टमेंट के बाद। तो इसको आप ढूंढने जाएंगे किसके पास? पहले जाएंगे सैलरी के पास, मदद मांगेंगे। सैलरी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझे बड़ा भारी नुकसान हो गया है इस साल, और तुम तो कभी नुकसान में होते नहीं हो। सैलरी वालों, तुम तो कभी नुकसान में होते नहीं हो, तो प्लीज क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्या तुम अपने प्रॉफिट से मेरे ये लॉस एडजस्ट करने दोगे? सैलरी ने बोला, हाँ मैं बड़ा दयावान हूं, तुम मेरे प्रॉफिट से अपने हाउस प्रॉपर्टी के लॉस एडजस्ट कर लेना। तो जब मैं इस तरह की एडजस्टमेंट करता हूं ना, तो मैं उसे कहता हूं इंटर हेड एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट को अब रिप्लेस कर देते हैं सेट ऑफ, क्योंकि अब मैं एडजस्टमेंट वर्ड नहीं बोलूंगा। एडजस्टमेंट तो केवल मैंने आपको थोड़ा वार्म अप करने के लिए बताया था। अब मेरे लिए जो टेक्निकल वर्ड आएगा वो क्या आएगा? सेट ऑफ। तो देखिए, पहले आपने इंटर सोर्स सेट ऑफ किया। पहले आपने ये बोला कि मैं एक ही घर के अंदर एक भाई की इनकम को दूसरे भाई के लॉसेस से एडजस्ट करूंगा, एक भाई की इनकम को दूसरे भाई के लॉसेस से सेट ऑफ करूंगा। लेकिन जब दूसरा भाई भी बेचारा परेशान हो गया, उसने कहा अब मेरे पास बचा ही कुछ नहीं है। ये देखो S1, S2, S3, आपने S1 और S3 के प्रॉफिट्स खत्म कर दिए। किससे? S2 के लॉसेस से। तो अब अभी भी बेचारा S2 में लॉस पड़ा हुआ है, कितने का? 30,000 का। तो ये 30,000 रुपए लेके आप भटकोगे ना, किसके पास जाओगे? इस 30,000 रुपए को लेकर आप पहुंचोगे इंटर हेड सेट ऑफ। आप क्या बोलोगे कि अब मुझे कोई मेरा पड़ोसी मदद दे दे, अब मुझे कोई मेरा पड़ोसी मदद दे दे। ये आप पहुंच गए इंटर हेड सेट ऑफ के पास। अब हाउस प्रॉपर्टी वाला ढूंढ रहा है, क्या कोई सैलरी से मेरे को मदद दे देगा, क्या कोई PGBP से मदद दे देगा, क्या कोई कैपिटल गेन की मदद दे देगा, क्या कोई अदर सोर्सेस से है जो मेरी सहायता करे, क्या कोई का मतलब ये है पड़ोसी नहीं करेगा, क्या कोई का मतलब है आप ही की अगर कोई इनकम सैलरी हेड में आती होगी तो आप वहां की इनकम से हाउस प्रॉपर्टी के लॉस एडजस्ट कर लेंगे। अगर आप ही की कोई इनकम, आप ही का मतलब उस SSC की कोई इनकम अगर PGBP में आती होगी, तो आप उसकी इनकम को अपने हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस से एडजस्ट कर लेंगे। अगर आपको कैपिटल गेन में कोई इनकम आती होगी और आपको हाउस प्रॉपर्टी में लॉसेस हैं, तो आप क्या उन दोनों को आपस में सेट ऑफ कर पाएंगे? ये सारी बातें जब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो वो इसका मतलब हम पढ़ रहे होंगे इंटर हेड सेट ऑफ। जब मैं एक ही घर के अंदर अलग अलग सोर्सेस से सेट ऑफ करता हूं, तो वो मेरे लिए कहलाती है इंटर सोर्स सेट ऑफ। एक सोर्स का प्रॉफिट दूसरे सोर्स के लॉसेस के साथ एडजस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब आप एक हेड के लॉसेस को
किसी दूसरे हेड के प्रॉफिट से एडजस्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं इंटर हेड सेट ऑफ। अब सपोज करो आप ये 30,000 रुपए का लॉस लेके निकले थे बाजार में, आप ये 30,000 रुपए का लॉस लेकर निकले थे बाजार में, आपकी मदद किसी ने नहीं करी, आपकी मदद किसी ने नहीं करी, सैलरी वालों ने आपको बाहर फेंक दिया, बोला हम आपकी मदद नहीं करेंगे। हाउस प्रॉपर्टी वाले तो कर ही नहीं सकते क्योंकि वहां तो आपको लॉस है ही। पीजीबीपी वालों ने आपको बाहर फेंक दिया, उन्होंने बोला हमारे पास मत आना, हम तो तुम्हारी मदद बिल्कुल भी नहीं करेंगे, भले ही तुम एक ही मालिक के हो लेकिन मदद नहीं करेंगे तुम्हारी। इसी तरह कैपिटल गेन वालों ने भी आपको बाहर भेज दिया और अदर सोर्सेज वालों ने भी आपको बाहर भेज दिया। अब यहां पर क्या होगा, आपके पास एक ऑप्शन है विच इज द लास्ट ऑप्शन। आप बोलेंगे कि ठीक है सर, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, अब मैं इस 30,000 रुपए को क्या करूंगा, कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ठीक है मेरी कोई मदद नहीं कर रहा, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, अब मैं इस 30,000 रुपए को लेकर अगले साल जाऊंगा और अगले साल अगर मुझे कोई इनकम होगी, अगले साल अगर मुझे कोई इनकम होगी किसमें, मेरे खुद के हेड में, मेरे खुद के हेड में, तो मैं वहां पर उस इनकम को इन लॉसेस से एडजस्ट कर लूंगा। जब अगले साल मुझे कोई इनकम होगी इसी हेड में होगी तो वहां पर मैं उन प्रॉफिट्स को इन लॉसेस के साथ एडजस्ट कर लूंगा। स्टूडेंट्स आपको याद होगा मैंने पीजीबीपी में एक जगह पर आपको सेट ऑफ का जिक्र किया था, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन में, वहां पर मैंने यही बोला था कि मैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के चैप्टर में डिटेल में बात करूंगा आपसे कि सेट ऑफ क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड क्या होगा। सो ये पूरा चैप्टर केवल तीन बातों पर डिपेंड करता है और ये तीन बातें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। और मजे की बात बता दूं, मैंने आपको पूरा कंसेप्ट भी यहां पर सिखा दिया, व्हाट इज द सेट ऑफ, व्हाट इज द इंटर सोर्स सेट ऑफ, व्हाट इज द इंटर हेड सेट ऑफ एंड व्हाट इज द कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। फिर से रिपीट करते हैं, चैप्टर मेरा खत्म हो चुका है, अब तो जस्ट एक फॉर्मेलिटी है प्रोविजंस पढ़ने की और ये देखने की कि कौन किसका साथ देगा और कौन किसका साथ नहीं देगा। आई मीन टू से समझिएगा, सैलरी, एचपी, पीजीबीपी, कैप गेन, अदर सोर्स। अब ये बेचारा मदद मांगने पहुंचा इससे, इससे, इससे और इससे, खैर यहां तो लॉसेस हो ही नहीं सकते, लॉसेस आर Not possible. तो ये तो बेचारा कभी मदद मांगने जाएगा नहीं, पहली बात तो समझ लो, सैलरी वाला कभी किसी के पास मदद मांगने नहीं जाएगा। मदद मांगने कौन जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी वाला। अब हाउस प्रॉपर्टी वाला पहुंचा है किससे मदद मांगने, पीजीबीपी से। अब देखना ये है कि क्या पीजीबीपी वाला इसका साथ देगा या नहीं देगा। हाउस प्रॉपर्टी वाला पहुंचा कैपिटल गेन के पास, कह रहा है कैपिटल गेन भैया मेरी मदद कर दो, मुझे लॉस हो गया है, तुम प्रॉफिट में हो, क्या मैं तुम्हारे से एडजस्ट हो जाऊं। क्या कैपिटल गेन वाला इसका साथ देगा या नहीं देगा। हाउस प्रॉपर्टी वाला पहुंचा अदर सोर्सेस से पास, अदर सोर्सेस भैया मेरी मदद कर दो, मुझे लॉस हो गया है, तुम तो प्रॉफिट में बैठे हो, क्या तुम मेरी मदद करोगे। अब देखना यह है क्या अदर सोर्स आपकी मदद करेगा या नहीं करेगा। स्टूडेंट्स आप देखिएगा पूरा चैप्टर में आपको इसी बेसिस पे ही सिखाऊंगा कौन किसकी मदद करेगा या नहीं करेगा। अगर आप प्रोविजंस पर जाएंगे ना, अगर आप प्रोविजंस की बात करेंगे, बड़े ही हैवी प्रोविजंस हैं, आपको पढ़ते पढ़ते हो सकता है ये पजल हो जाए आपका माइंड कि सर कौन किससे होगा, कौन किससे नहीं होगा, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है यहां तो। तो इसके लिए आपको वो चार्ट रेफर करना है जो मैंने चार्ट बना के आपको बुक में दिया है, वहां से आपको पूरी बात समझ आ जाएगी कि इसमें से कौन किसका साथ देगा और कौन किसका साथ नहीं देगा। समझिए, अब उल्टा चलते हैं, थोड़ा सा उल्टा चलते हैं। अब पीजीबीपी में लॉस हो गया है, अब पीजीबीपी पहुंचा, सुनो हाउस प्रॉपर्टी वाले भैया, क्या तुम मेरा साथ दोगे, मुझे लॉस हो गया है, क्या तुम अपनी इनकम को एडजस्ट करने दोगे,
हाउस प्रॉपर्टी वाले ने बोला भाग जाए यहां से, मैं तो केवल सैलरी वाले का साथ देता हूं, मैं बाकियों का साथ नहीं देता, सैलरी वाला बहुत अच्छा व्यक्ति है, मैं तो केवल उसी की हाँ में हाँ करूंगा, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। अब पहुंचा कैपिटल गेन, कैपिटल गेन कह रहा है अरे भाई मेरे को लॉस हो गया है, क्या तुम मेरा साथ दे दोगे, क्या तुम मेरा साथ दे दोगे। हाउस प्रॉपर्टी कह रहा है सुन भाई, सैलरी के अलावा मैं किसी का साथ नहीं दूंगा, मैं बड़ा बेकार आदमी हूं, केवल सैलरी वालों का ही साथ दूंगा, अगर सैलरी वाले कहेंगे लॉस हो गया तो मैं अपने प्रॉफिट से उनके लॉसेस एडजस्ट करवा दूंगा। अब बताओ बेचारा सैलरी वाला कभी कहेगा लॉस हो गया, कभी बोलेगा ही नहीं। तो हाउस प्रॉपर्टी बड़ा चलाक है, ये कह रहा है ठीक है सुन लो मेरी बात, मैं ऐसे एडजस्ट नहीं होने दूंगा। तो ये वाली सारी बातें, यही सारी बातें हैं जो मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगा कि कौन किसका साथ देगा, कौन किसका साथ नहीं देगा। बस यही हमें इस चैप्टर में समझना है। ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, इसके अलावा एक नई बात नहीं सिखाऊंगा आपको इस चैप्टर में। जितने भी प्रोविजंस आपको पढ़ाऊंगा उस प्रोविजन का क्रक्स केवल इतना है कि कौन किसका साथ देगा और कौन किसका साथ नहीं देगा। व्हेन आई से साथ देगा, इसका मतलब कौन अपने प्रॉफिट्स एडजस्ट करने देगा उसके लॉसेस से। बस इतनी सी बात पढ़नी है। और दूसरी एक और चीज पढ़नी है बस हमें, कि मान लीजिए अगर आपका कोई लॉस एडजस्ट नहीं हो पाता है, तो आप उसे क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड। अब जब कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो इसका मतलब आप क्या कह रहे हैं कि मैं अपने लॉस आने वाले सालों में जो प्रॉफिट्स होंगे, आने वाले इयर्स में जो प्रॉफिट्स होंगे वहां एडजस्ट करूंगा। तो कितने सालों तक, हाउ मैनी इयर्स, कितने सालों तक आप इसे एडजस्ट करेंगे। इतनी सी बात है इस पूरे चैप्टर में। और मजे की बात, 4 से 5 नंबर आपके पक्के हैं इस चैप्टर में, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा, 4 से 5 नंबर पक्के कर जाओ। क्लियर। मैं जब मैं कहता हूं 4 से 5 नंबर तो एमसीक्यू भी इंक्लूड कर रहा हूं, मैं एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव दोनों की बात कर रहा हूं। 4 से 5 नंबर आपको इस चैप्टर में मिलने ही मिलने हैं। चल सकते हैं हम आगे, आइएगा मेरे साथ बुक पर। मेरा डिस्कशन ओवर, चैप्टर मेरी तरफ से ओवर है। अब तो जस्ट हम फॉर्मेलिटी कर रहे हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में। कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले मुझे आपको सिखाना है इंटर सोर्स सेट ऑफ क्या होगा, क्या एक सोर्स दूसरे सोर्स से सेट ऑफ हो जाएगा। जब इंटर सोर्स मेरे अपने ही भाई बंधु खत्म हो गए तो अब मैं पड़ोसियों के पास जाऊंगा इंटर हेड सेट ऑफ मांगने। देखो सोर्स क्या है, मेरे फादर, मेरे भाई, मेरी मदर, मेरे बच्चे, ये सब सोर्सेज हैं। तो जब मैं सोर्सेज से एडजस्ट नहीं कर पाया तो मैं पड़ोसियों के पास गया। पड़ोसी कौन है, हेड, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैप गेन, पीजीबीपी, अदर सोर्स। अब जब मेरा पड़ोसियों ने भी साथ नहीं दिया तो मैं रोते रोते क्या बोलूंगा, कोई बात नहीं, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, मैं अगले साल मेहनत करूंगा, अगले साल प्रॉफिट्स कमाऊंगा, प्रॉफिट्स कमाने के बाद मैं उसमें से एडजस्ट करूंगा। यस और नो, यस। आप इसे कोरिलेट कर सकते हैं। अभी अभी जस्ट मेरे माइंड में एक एग्जांपल आया, मैं आपको शेयर कर देता हूं। आप ग्रुप 1 देते हैं, ग्रुप 2 देते हैं, अगर मान लीजिए आपका ग्रुप 2 में 50% से कम स्कोर होता है लेकिन ग्रुप 1 में उतने की ही रिकवरी कर लेते हैं आप, तो आपका ये आपस में क्या हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं इंटर हेड, इंटर ग्रुप एडजस्टमेंट। तो यही इंटर हेड एडजस्टमेंट है। अब मान लीजिए आप कहते हैं मेरे किसी पेपर में 60 नंबर आ गए हैं, 60% मार्क्स आ गए हैं, तो उसे हम कहते हैं एग्जेम्पशन। यस और नो। तो जब ये एग्जेम्पशन आ जाती है तो आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, और अगले साल, जब अगले साल का मतलब अगले अटेम्प्ट में जब आप पेपर देते हैं तो वहां पर आपको 3 पेपरों के स्कोर के साथ इसको जोड़ के एडजस्ट करवा दिया जाता है। करेक्ट, क्लियर है हम यहां तक। अब मेरे साथ आइएगा बुक पर, स्टार्ट कर रहे हैं अपना मेन डिस्कशन, व्हाट इज द चैप्टर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस।
तो चैप्टर का पार्ट हमेशा ध्यान रखना, पहला है सेट ऑफ, सेट ऑफ नहीं हो पाएगा तो कैरी फॉरवर्ड करेंगे, और कैरी फॉरवर्ड करके भी करना क्या है, सेट ऑफ ही तो करना है, तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस, तो ये पूरा चैप्टर का मेरा नाम है। यहां पर मैंने कुछ सेक्शन वाइज समरी आपको दी हुई है ताकि आपको जस्ट एक ब्रीफ आइडिया लग जाए कि कौन कौन से सेक्शंस हैं जो हमें यहां पर पढ़ने हैं, तो इसे केवल आप रीड भी करेंगे तब भी काफी है, ऑल्दो यहां पर केवल वही सेक्शंस हैं जो मैं आपको इस पूरे चैप्टर में बताने वाला हूं कि कौन कौन से चैप्टर हमें यहां पर पढ़ने हैं। क्लियर है यहां तक? कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा, बिकॉज नाउ आई एम स्टार्टिंग द मेन चैप्टर डिस्कशन। ट्रस्ट में स्टूडेंट, इसके अलावा कोई नई बात इस चैप्टर में नहीं आएगी, छोटी छोटी कोई बातें आएंगी तो वो मैं साथ के साथ बताता जाऊंगा। बाकी अभी तक जो मैंने आपको बैकग्राउंड बनाया है लगभग लगभग 50 मिनट में, वही 50 मिनट अब मेरे आने वाले 2 घंटे काम आएंगे। अगर आपने ये 50 मिनट का डिस्कशन अच्छे से समझा तो अगले 2 घंटे आपके बड़े इंटरेस्टिंग जाएंगे। अगर आपने इन 50 मिनट में इधर उधर मस्ती करी होगी, फोकस नहीं बनाया होगा, कॉन्सेंट्रेशन नहीं रखा होगा, तो अगले 2 घंटे आपकी बात, मेरी बातें आपके सर के ऊपर से निकल जाएंगी। क्लियर है? आइएगा स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। देखिएगा स्टूडेंट्स, एग्रीगेशन ऑफ इनकम मतलब आप इनकम को आपस में जोड़ रहे हैं। इन सर्टेन केसेस सम अमाउंट आर डीम्ड एज इनकम इन द हैंड्स ऑफ असेसी, दो दे आर एक्चुअली नॉट इन द नेचर ऑफ इनकम। These cases are contained in section 68, 69, 69A, 69B, 69C and 69D. आपको याद होगा ये सारे ही सेक्शन मैंने आपको बताए थे अनएक्सप्लेन्ड और अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज ऑफ इनकम में। EGBP के बाद जस्ट एक क्लास आई थी, क्लास नंबर 11A करके, उसमें मैंने आपको ये सारी बातें डिस्कस करवाई थी। The assessing officer may require the assessee to furnish the explanation in such cases. AO आपसे information मांग सकता है, अगर आप information नहीं देते हैं, if the assessee does not offer any explanation or the explanation offered by the assessee is not satisfactory, आपने जो जवाब दिया, या तो आपने जवाब ही नहीं दिया, या आपने जवाब दिया लेकिन वो उसको अच्छा नहीं लगा, then in that case amount referred to in this section would be deemed to be the income of the assessee and such amount have to be aggregated with the assessee's total income. Although iska set off se koi lena dena nahi hai, set off is chapter se nahi hai, but ICAI study material mein ye diya hua tha to maine ise yahan par rakh diya hai just ki wo ek point miss na ho jaye. Dekhiyega next. Application of set off and carry forward and set off of losses. ये वही बात लिखी है जो मैंने आपको बताई है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टेप वन में आप इंटर सोर्स एडजस्टमेंट करेंगे अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम। इसको हम कहते हैं इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। आप पहले देखेंगे कि अगर एक भाई को प्रॉफिट है और दूसरे भाई को लॉस है, क्या वो आपस में सेट ऑफ हो सकते हैं? एक हाउस में लॉस है, एक हाउस में इनकम है, एक बिजनेस में लॉस है, एक बिजनेस में इनकम है, एक आइटम से आपको कैपिटल गेन है, एक आइटम से आपको कैपिटल लॉस है, तो क्या ये आपस में एडजस्ट हो सकते हैं? क्या आपस में सेट ऑफ हो सकते हैं? क्या अगर आपका आंसर आए हाँ आपस में सेट ऑफ हो सकते हैं, तो इसे आप बोलते हैं इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। इसे आप क्या बोलते हैं? इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। इसके बाद आप स्टेप नंबर 2 में करेंगे इंटर हेड एडजस्टमेंट। अब आपका सोर्सेज से पेट भर गया, आपने बोला एक सोर्सेज में मेरे पास लॉस था, दूसरे सोर्सेज में इनकम थी, मैंने आपस में सेट ऑफ कर लिया, लेकिन अभी भी मेरे पास लॉसेस बच रहे हैं, तो इन लॉसेस को लेकर आप पहुंचेंगे किसके पास? हेड्स के पास। आप सैलरी से पूछेंगे, हाउस प्रॉपर्टी से पूछेंगे, कैप गेन पीजीबीपी अदर सोर्सेज से पूछेंगे, क्या तुम मेरी मदद करोगे? अब यहां आपको दूसरा स्टेप पे जाना है जिसमें लिखा है इंटर हेड एडजस्टमेंट इन द सेम असेसमेंट ईयर एट द टाइम ऑफ एग्रीगेशन ऑफ इनकम ऑफ द वेरियस हेड्स।
मतलब जो पांचों हेड हैं उनको एडजस्ट करेंगे आप। स्टेप थ्री, जब आपके पास यहां फिर से लॉसेस बच गए तो अब आप क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेस टू द सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर। अब आप इन बचे हुए लॉसेस को भेज देंगे आने वाले सालों के लिए। टू क्लेम इट एज अ सेट ऑफ इफ इट कुड नॉट बी सेट ऑफ अर्लियर, तो जो लॉसेस आप पहले सेट ऑफ नहीं कर पाए हैं आप उन्हें आगे आने वाले सालों के लिए भेज देंगे कि ठीक है जब आने वाले सालों में मेरे को इनकम होगी तो मैं वहां पर इनको एडजस्ट कर लूंगा। कोई डाउट यहां तक? नहीं सर। नेक्स्ट पेज पर आइएगा। सबसे पहली बात देखिए, सबसे पहला सेक्शन आपके सामने लिखा हुआ है विच सेज, सेक्शन कहता है सेट ऑफ ऑफ लॉसेस फ्रॉम वन सोर्सेज अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम अनदर सोर्स, मतलब आप कह रहे हैं एस वन का लॉस एस टू से एडजस्ट हो जाए अंडर द सेम हेड, सेम हेड में रहते हुए, इसको हम कहते हैं इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। सेक्शन 70 यहां पर बात करता है इंटर सोर्स एडजस्टमेंट की। कर सकते हैं, मैं आपको क्रक्स बता देता हूं सेक्शन का, आप सेट ऑफ कर सकते हैं लेकिन आपको कुछ रेस्ट्रिक्शंस बताएगा ये सेक्शन, और वो रेस्ट्रिक्शंस आपको याद रखनी है कि आप इस सोर्स का लॉस उस सोर्स से सेट ऑफ नहीं कर सकते। पढ़िएगा मेरे साथ, लॉसेस इंकर्ड बाय द असेसी इन रेस्पेक्ट ऑफ वन सोर्स शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स। आप S1 का लॉस S2 से एडजस्ट कर सकते हैं, आप S1 का लॉस S2 से एडजस्ट कर सकते हैं अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम, सेम हेड ऑफ इनकम में रहते हुए। एज इनकम अंडर ईच हेड टू बी कंप्यूटेड बाय ग्रुपिंग टुगेदर, और बाद में जो आपकी इनकम आएगी उसे आप ग्रुपिंग करेंगे उस हेड के लिए। व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, मान लीजिए हाउस प्रॉपर्टी है, आपके पास चार सोर्सेज हैं S1, S2, S3, S4, यहां लॉस है यहां प्रॉफिट है, यहां प्रॉफिट है यहां लॉस है, तो आप इन दोनों लॉसेस को इनके प्रॉफिट से या कंबाइंड प्रॉफिट से आप एडजस्ट कर सकते हैं, आप सेट ऑफ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल, losses incurred in respect of one house property can be set off against the income in respect of another house property. एक HP 1 में आपको loss है और दूसरे HP में आपको profit है, आप इनको आपस में adjust कर सकते हैं, कोई issue नहीं है। आगे देखिएगा, losses from one business से टेक्सटाइल बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम एनी अदर बिजनेस से प्रिंटिंग बिजनेस इन अ सेम ईयर, एज बोथ दी सोर्स ऑफ इनकम फॉल अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम। कोई डाउट ही नहीं है, बिजनेस वन कैन बी सेट ऑफ विद बिजनेस टू, कोई इशू नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है। लेकिन अब समस्या कहां पर है, समस्या सुनिए, ये जो रेड पॉइंट मैंने हाईलाइट किया है यहां से आपकी समस्या शुरू होती है, ये हैं आपकी रेस्ट्रिक्शंस। देखिए अभी तक मैंने सिंपल रूल आपको क्या बताया, एक सोर्स दूसरे सोर्स के लॉसेस से एडजस्ट होगा, एक सोर्स की इनकम दूसरे सोर्स के लॉसेस से एडजस्ट होगी, एक सोर्स का लॉस दूसरे सोर्स की इनकम से एडजस्ट होगा। लेकिन अब लॉ आपको बोलता है फॉलोइंग सेट ऑफ आर नॉट अलाउड, Following set off are not allowed. पढ़िएगा, इंटर सोर्स मतलब एक सोर्स को दूसरे सोर्स से सेम हेड में सेट ऑफ इज नॉट परमिसेबल, ये आपको परमिसेबल नहीं है, ये आपको परमिसेबल नहीं है इन द फॉलोइंग केसेस, ये वाले सेट ऑफ आप नहीं कर पाएंगे, ये वाले सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। कौन कौन से सेट ऑफ है सुनिएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट दी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है
तो आप उनको आपस में सेट ऑफ नहीं कर सकते। हाउएवर अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है लेकिन आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आप उनको आपस में सेट ऑफ कर सकते हैं। बड़ी अजीब सी बात बोल दिया लॉ ने। वो कह रहे हैं अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है और इधर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो ये एडजस्ट हो जाएगा। क्यों कहा ऐसा इन्होंने? देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट नहीं होगा क्योंकि यहां सरकार को 15% का टैक्स मिलता है। सरकार कह रही है अगर हम आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट करवा देंगे तो हमें 15% का रेवेन्यू लॉस हो जाएगा सरकार को, तो सरकार कह रही है एडजस्ट नहीं करने देंगे। लेकिन हां, अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है और इधर आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो एडजस्ट कर लीजिएगा, हमें कोई इश्यू नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको याद ही रखने पड़ेंगे और इसको याद करने के लिए ही मैंने वो चार्ट क्रिएट किया है जिस चार्ट से आप ये समझ पाएंगे कि कौन सा लॉस किससे एडजस्ट होगा और किससे एडजस्ट नहीं होगा। तो यहां पर आपको सेक्शन 70 ये कहता है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस हैं, अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस हैं तो ये आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट नहीं करेंगे। अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट हो जाएगा। इसी तरह सेकंड पॉइंट देखिएगा, अगर लॉसेस इन स्पेक्यूलेशन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ एनी अदर स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, अगर आपको स्पेक्यूलेटिव बिजनेस में लॉस है तो ये केवल और केवल स्पेक्यूलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ होगा। तो मान लीजिए आपके पास एक स्पेक्यूलेटिव बिजनेस में लॉस है और दूसरे स्पेक्यूलेटिव बिजनेस में प्रॉफिट है तो ये आपस में सेट ऑफ हो जाएंगे। लिखिएगा मेरे साथ साथ, स्पेक्यूलेटिव लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट्स, ये सेट ऑफ हो जाएगा। आगे देखिए, हाउएवर लेकिन लॉसेस फ्रॉम नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव। देखिए यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं ये, स्पेक्यूलेटिव लॉस नॉन स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं करेंगे। कहां पर लिखा ये बात इन्होंने लिखी नहीं है, लेकिन क्या कह रहे हैं इस लाइन को पढ़िए, पहली वाली लाइन को, लॉसेस इन स्पेक्यूलेशन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ ओनली, ओनली ओनली का मतलब केवल और केवल किससे सेट ऑफ हो सकते हैं, अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ एनी अदर स्पेक्यूलेटिव बिजनेस। इसका मतलब स्पेक्यूलेटिव में अगर लॉस है तो वो केवल स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट से ही सेट ऑफ होगा। तो इसका क्या मतलब है कि स्पेक्यूलेटिव लॉस स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट से सेट ऑफ होगा लेकिन स्पेक्यूलेटिव लॉस नॉन स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं होगा, नहीं होगा। क्या मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूं, नॉन स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट, यस और नो लिख सकता हूं। देखिए, However, losses from non-speculative business, non-speculative business के profit, losses can be set off against the profit from speculative business. ये देखिए, non-speculative के loss can be set off against the speculative profit, as well as, 6 number पे लिखिए, non-speculative के losses can be set off against the non-speculative के profits.
यस और नो कर सकते हैं। आप समझ पा रहे हैं क्या सेक्शन आपको बोलता जा रहा है? नेक्स्ट देखिएगा पॉइंट नंबर 3, लॉसेस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस होर्सेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द इनकम ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस। मान लीजिए आपके दो बिजनेस है, एक ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस एक जगह पर है, ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस एक आपका दूसरा बिजनेस भी है। तो अगर आपको ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस का कोई लॉस है, इसका कोई अगर आपको लॉस है तो वो केवल इसी सेम प्रॉफिट से ही एडजस्ट हो सकता है, इसके अलावा किसी भी प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं होगा। बड़ी विचित्र सी दिक्कत है। पॉइंट नंबर 4, लॉसेस इन एनी स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस कहां लिखे थे? सेक्शन 35AD PGBP। तो अगर आपको कोई स्पेसिफाइड बिजनेस से लॉसेस आए हैं सेक्शन 35AD में, कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट एनी अदर स्पेसिफाइड बिजनेस। ये लो जी एक नई बात इन्होंने बता दी, 35AD में अगर आपको लॉसेस हैं तो ये लॉसेस 35AD के प्रॉफिट से ही एडजस्ट होंगे, इसके अलावा किसी और से एडजस्ट नहीं होंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, हाउएवर लेकिन लॉसेस फ्रॉम अदर बिजनेस, अदर बिजनेस का मतलब स्पेक्युलेटिव नॉन स्पेक्युलेटिव, कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द प्रॉफिट फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। अब देखो नॉन स्पेक्युलेटिव की बात नहीं है क्योंकि नॉन स्पेक्युलेटिव तो बोला ही है, सॉरी स्पेक्युलेटिव की बात नहीं है क्योंकि स्पेक्युलेटिव के लिए तो उन्होंने बोला ही है पीछे कि स्पेक्युलेटिव तो केवल नॉन स्पेक्युलेटिव केवल स्पेक्युलेटिव से ही हो सकते हैं। तो यहां पर जब वो कह रहा है प्रॉफिट ऑफ एनी बिजनेस एनी अदर बिजनेस, तो किसकी बात कर रहा होगा? नॉन स्पेक्युलेटिव की। अब इसने क्या बोला देखो, नॉन स्पेक्युलेटिव लॉस कैन बी सेट ऑफ एनी बिजनेस। एनी बिजनेस का मतलब आप समझ पा रहे हैं, एनी बिजनेस का मतलब हो गए चाहे स्पेक्युलेटिव चाहे नॉन स्पेक्युलेटिव और चाहे 35AD। अब देखो स्पेक्युलेटिव से तो पहले भी आप पढ़ के आए हो, पीछे पेज पर देखो, नॉन स्पेक्युलेटिव कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेक्युलेटिव, नॉन स्पेक्युलेटिव कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट नॉन स्पेक्युलेटिव। तो ये बात तो क्लियर है, ये बात भी क्लियर है, ये बात इन्होंने बस यहां पर नहीं दे दी कि नॉन स्पेक्युलेटिव के लॉसेस आपके 35AD के प्रॉफिट से एडजस्ट हो जाएंगे। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं लॉसेस और यहां पर लिख रहा हूं प्रॉफिट्स। क्लियर? कोई डाउट? आप ये साथ साथ बनाते चलिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये मैं क्या कर रहा हूं, ये जस्ट मैं इस लैंग्वेज को कन्वर्ट कर रहा हूं पिक्चर फॉर्म में। पॉइंट नंबर 5 देखिए क्या कहता है, लॉसेस अंडर लॉटरी, अगर आपको लॉटरी में नुकसान हो गया, कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द विनिंग फ्रॉम लॉटरी। ओहो, एक लॉटरी का नुकसान दूसरी लॉटरी से सेट ऑफ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर ऐसा करने लगे तो सरकार को बड़ा नुकसान होगा। लॉटरी पर 30% का टैक्स मिलता है और वो सेट ऑफ करवा देंगे, सॉरी लॉटरी की इनकम सेट ऑफ नहीं होगी किसी दूसरे लॉटरी के लॉसेस से। क्रॉसवर्ड पजल एंड कार्ड गेम एक्सेट्रा लिखिए इस बात को भी यहां पर, पॉइंट नंबर 10 डाल के। पॉइंट नंबर 10 में लिखिएगा लॉटरी लॉसेस, लॉटरी की इनकम से नहीं सेट ऑफ करेंगे। और लॉटरी की इनकम छोड़िए साहब, किसी भी इनकम से सेट ऑफ नहीं करेंगे, लॉटरी तो बहुत दूर की बात है, हम किसी भी इनकम से सेट ऑफ नहीं करेंगे। देखिएगा पॉइंट नंबर 6, लॉसेस फ्रॉम एन एग्जेम्प्ट सोर्स, अगर आपका कोई सोर्स ऐसा है जिस पर टैक्स लगता ही नहीं है, एग्जेम्प्ट है, कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट फ्रॉम टैक्सेबल सोर्स। ये भी एक नई बात है।
पॉइंट नंबर 11 लिखिए, एग्जेम्प्ट लॉसेस, मतलब जिन प्रॉफिट पर टैक्स नहीं लगता अगर वहां आपको लॉस हो जाए तो ये भी हम आपके टैक्सेबल प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं करने देंगे, ये भी हम आपको नहीं करने देंगे। लॉजिक आपको पता ही है, सरकार कह रही है जब आपके प्रॉफिट ही एग्जेम्प्ट थे तो उनके लॉसेस को हम क्यों सेट ऑफ करवाएं, जब हमें प्रॉफिट पर ही फायदा नहीं था तो हम लॉसेस पे आपको फायदा क्यों दें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस इज मैंडेटरी। ये है इंपॉर्टेंट बात, सेट ऑफ करना बहुत जरूरी है। अगर आपने सेट ऑफ नहीं किया तो आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि मैंने सेट ऑफ नहीं किया तो इसे कैरी फॉरवर्ड कर दो। कैरी फॉरवर्ड तभी करोगे जब पहले उसे सेट ऑफ करोगे। अगर आप सेट ऑफ नहीं कर रहे हो तो आप कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर पाओगे, तो पहले सेट ऑफ करना ही पड़ेगा। असेसी हैज टू अवेल द सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस। तो पहले आप सेट ऑफ करो, सेट ऑफ करने के बाद अगर आपके लॉसेस बच रहे हैं तो उसे कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ करो। कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ मतलब पहले कैरी फॉरवर्ड कर दो और फिर उसी समय पर उसे सेट ऑफ भी कर लो। तो सेट ऑफ इज मस्ट एंड देन कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ इज ऑल्सो मस्ट। पॉइंट नंबर 8 देखिए, शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बी सेट ऑफ। क्यों नहीं हो सकते शेयर ऑफ लॉस, क्योंकि शेयर ऑफ प्रॉफिट एग्जेम्प्ट होते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट एग्जेम्प्ट होते हैं। तो जब शेयर ऑफ प्रॉफिट एग्जेम्प्ट होते हैं तो शेयर ऑफ लॉस भी एग्जेम्प्ट होगा, और जब एग्जेम्प्ट होगा तो यह बात तो मैंने आपको बता ही दी, जो प्रॉफिट आपके एग्जेम्प्ट है वो लॉसेस भी आपके एग्जेम्प्ट है। तो जब वो लॉसेस एग्जेम्प्ट है तो वो सेट ऑफ नहीं होंगे। आगे देखिए, शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द बिजनेस इनकम सिंस द शेयर ऑफ इनकम ऑफ द फर्म इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(2)(a)। क्लियर है हम यहां तक? कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट नहीं है? मुझे मालूम है स्टूडेंट्स आप इस प्रोविजन को एकदम से याद नहीं रख पाएंगे, इसी के लिए मैंने आपको वो चार्ट बना के दिया है। अभी उस चार्ट पर चलेंगे, देखेंगे कितना आसान हो जाएगा आपके लिए पूरा चैप्टर। नेक्स्ट पेज पर आइएगा, नाउ वी आर डिस्कसिंग सेट ऑफ ऑफ लॉसेस फ्रॉम वन हेड अगेंस्ट द इनकम ऑफ अनदर हेड। एक हेड में लॉस है, दूसरे हेड में इनकम है, अब दोनों को आपस में सेट ऑफ करने की बातें हो रही हैं। मतलब एक पड़ोसी पहुंचा है अपने पड़ोसी के पास कि क्या तुम मेरी मदद करोगे, तो अब देखो पड़ोसी क्या क्या जवाब देगा आपको। पड़ोसी बहाने बनाएगा, आज मेरे यहाँ लाइट नहीं है, मैं मदद नहीं कर पाऊंगा, आज मेरे यहाँ ये है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर देखिए पड़ोसी कैसे मना कर रहा है आपको, वो बोलेगा तुम मेरे यहाँ मत आना मदद मांगने, तुम मेरे यहाँ मत आना। कोई दूसरा कहेगा तुम मेरे यहां मत आना। तो देखो कैसे लड़ाइयां हैं अभी सबकी आपस में। लॉसेस इनकर्ड बाय द असेसी इन वन हेड शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम एनी अदर हेड। एक हेड का लॉस किसी दूसरे हेड की इनकम से सेट ऑफ कर देंगे, जनरल कर देंगे, लेकिन नीचे पढ़िए कुछ एक्सेप्शन है इस बात के। एग्जाम्पल देखिए पहले, लॉसेज इनकर्ड इन द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम अंडर हेड सैलरी। तो अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है लेकिन सैलरी में आपको प्रॉफिट है, जो कि हमेशा आपको प्रॉफिट ही होता है, लॉस कभी हो ही नहीं सकता सैलरी में, तो ये हम आपस में एडजस्ट करने की बात कर रहे हैं, ये हम आपस में सेट ऑफ करने की बातें कर रहे हैं। लेकिन लेकिन इंटर हेड सेट ऑफ इज नॉट परमिसेबल, परमिसेबल नहीं होगा इन द फॉलोइंग केसेस। इन केसेस में कौन से केसेस हैं, ध्यान से सुनिए। लॉसेस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम एनी अदर स्पेक्युलेटिव बिजनेस। तो ये बात तुमने पीछे भी पढ़ी थी, ये देखो स्पेक्युलेटिव लॉस केवल और केवल किससे सेट ऑफ होगा, केवल स्पेक्युलेटिव प्रॉफिट से होगा। तो इसमें नया क्या है, पहले भी पढ़ के आए हैं। लॉसेज इन स्पेसिफाइड बिजनेस, लॉसेज इन स्पेसिफाइड बिजनेस
रेफर टू इन सेक्शन 35AD कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट एनी अदर स्पेसिफाइड बिजनेस। ये भी हम पहले पढ़ के आए हैं। देखो 35AD के लॉस किससे सेट ऑफ होंगे, 35AD के प्रॉफिट से होंगे। नया क्या है, कुछ भी नहीं, नया यहां से है, यहां से भी नहीं है, बल्कि थर्ड पॉइंट भी हम पढ़ चुके हैं। देखिए लॉसेस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द इनकम ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेसेस। तो ये भी हमने यहां पढ़ा था, ओनिंग एंड मेंटेनिंग कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द सेम प्रॉफिट, इसमें भी नई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट, लॉसेस अंडर द हेड पीजीबीपी, लॉसेस अंडर द हेड पीजीबीपी फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी और कैजुअल इनकम। अगर आपको पीजीबीपी में लॉस है, अगर आपको पीजीबीपी में लॉस है, तो ये आपका सैलरी से और कैजुअल इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा, ये इन दो से सेट ऑफ नहीं होगा। इसका क्या मतलब है, पीजीबीपी कैप गेन से सेट ऑफ हो जाएगा, पीजीबीपी हाउस प्रॉपर्टी से सेट ऑफ हो जाएगा, और पीजीबीपी खुद अपने पीजीबीपी से भी सेट ऑफ हो जाएगा। यही मतलब है इसका। क्या पढ़ा आपने, देखिए लॉसेस अंडर हेड पीजीबीपी कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द सैलरी इनकम और कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम में क्या आती है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी वगैरह। तो पीजीबीपी का लॉस सैलरी से और कैजुअल इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा, लेकिन अगर बाकी कोई इनकम है, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, उससे सेट ऑफ हो जाएगा। देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं पूरा इजी कर दूंगा चैप्टर आपके लिए, बट एक बार प्लीज समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपको पूरा चैप्टर आखिरी में एक चुटकी में करवा दूंगा, एक चुटकी, सिंपल 5 मिनट लगेंगे उस चार्ट को हमें समझने में। पूरा चैप्टर का निचोड़ है वो चार्ट तो, लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे प्रोविजन भी आपको करवाने हैं ताकि आप एग्जाम में कुछ लिखने लायक रहें। एग्जाम में आप चार्ट थोड़ी बना के आएंगे, ये लो जी हमें सर ने चार्ट दिया था, ये देख लो और समझ लो। एग्जाम में तो आपको प्रोविजन लिखना होगा ना। कैपिटल लॉसेस, चाहे वो लॉन्ग टर्म है चाहे शॉर्ट टर्म है, कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम अंडर एनी अदर हेड। ओहो, यहां पर क्या कह गए ये, अगर आपको कैपिटल लॉसेस हैं, अगर आपको कैपिटल लॉसेस हैं, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, ये किसी भी एनी अदर हेड से, एनी अदर हेड से सेट ऑफ नहीं होंगे। इसका मतलब एसटीसीएल और एलटीसीएल, केवल और केवल एसटीसीएल और एलटीसीएल, इसी से सेट ऑफ हो सकते हैं। यस और नो? यस। नेक्स्ट, लॉसेस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम अंडर एनी हेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹2 लाख। ये एक नया सेक्शन डाला गया था 2017 में। ये सिंपल ये कहता है कि अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है, अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी सॉरी इनकम है सॉरी लॉस, तो ये लॉस आपके सेट ऑफ हो जाएंगे। कितने तक? मैक्सिमम ₹2 लाख तक। अगर आपके पास इससे ऊपर कोई भी लॉस पड़ा है, अगर आपके पास इसके ऊपर कोई भी लॉस पड़ा है ₹2 लाख से ऊपर का, तो उस लॉस को आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। आप ₹2 लाख से ज्यादा का लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। ₹2 लाख से ऊपर का लॉस, मैक्सिमम ₹2 लाख से ऊपर का जितना भी लॉस होगा, वो आपको कैरी फॉरवर्ड ही करना पड़ेगा। बताइए यहां तक कोई डाउट है किसी को भी? किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट आइएगा मेरे साथ, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स देखिए, यहां पर ये सारे सेक्शन अब मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं। देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां लिखा है A loss under the head house property which could not be set off and was not wholly set off in the same assessment year.
मतलब अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है जो कि सेट ऑफ नहीं हो पा रहा है विद इन द सोर्स और विद इन द हेड्स, मतलब अलग अलग जो हेड आपको दिए हुए हैं उनसे, तो आप क्या करेंगे, फ्रॉम द अदर हेड ऑफ इनकम विल बी अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड, आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे कितने सालों के लिए, फॉर अ 8 असेसमेंट ईयर टू क्लेम इट एज अ सेट ऑफ इन द सबसिक्वेंट ईयर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो आप यहां पर क्या करेंगे, ये एक नई बात सीखी है यहां पर, पहले आप इंटर सोर्स सेट ऑफ करेंगे, फिर आप इंटर हेड एडजस्टमेंट करेंगे, और अगर आपका फिर भी कोई लॉस एडजस्ट नहीं हो पा रहा है तो आप इसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे आने वाले 8 सालों के लिए, और आने वाले 8 सालों के बाद के लिए जब आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो आने वाले 8 सालों में किस हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं, केवल और केवल हाउस प्रॉपर्टी के हेड से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। देखिए पहले साल क्या होता है, पहले साल आप पहले सेम सोर्स से सेट ऑफ करते हैं, सेम सोर्स खत्म हो जाते हैं तो आप दूसरे घरों के पास जाते हैं, आप कहते हैं सैलरी वालों तुम मेरी मदद कर दो, पीजीबीपी कैपिटल गेन अदर सोर्स तुम मेरी मदद कर दो, वो जब आपकी मदद कर देते हैं फिर भी आपके पास लॉसेस बच गए तो फिर आप अगले साल जाते हैं। और ध्यान रखिए जब आप अगले साल जाते हैं ना, जब आप अगले साल जाते हैं तो अगले साल आपको केवल सेम हेड से ही मदद मिलती है, फिर आपको कोई दूसरा हेड आपकी मदद नहीं करता। अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करे हैं तो अगले साल हाउस प्रॉपर्टी वाली ही इनकम से आप सेट ऑफ कर पाएंगे, आप सैलरी से सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। क्लियर है यहां तक? आगे देखिए, द पीरियड ऑफ 8 ईयर वुड स्टार्ट फ्रॉम द ईयर सब्सिक्वेंट टू द ईयर इन विच द लॉसेस वॉज इंकर्ड। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, 8 साल का पीरियड वहां से स्टार्ट होगा जहां पर आपने ये लॉस कैरी फॉरवर्ड इंकर्ड किए होंगे। इट इज टू बी रिमेंबर दैट द वंस अ पर्टिकुलर लॉस इज कैरी फॉरवर्ड इट कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम द सेम हेड इन द फोर्थ कमिंग असेसमेंट ईयर। तो ये बात तो मैंने अभी अभी जस्ट आपको बताई, अगर आप एक लॉस कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो अगले साल आपको उसी हेड के इनकम से उसको सेट ऑफ करने का मौका मिलेगा, आप दूसरे किसी हेड की इनकम से उसको सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। जब कैरी फॉरवर्ड का केस है, सेम ईयर का है तो आप कर लेंगे, कैरी फॉरवर्ड के केस में आपको दूसरे हेड पे हाथ डालने का मौका नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल देखिएगा, हाउस प्रॉपर्टी लॉस पर्टेनिंग टू द प्रीवियस ईयर 2021 असेसमेंट ईयर 2021-22 कैन बी कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर 21-22 टू प्रीवियस ईयर 28-29। सो लॉसेस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम अंडर एनी हेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹2 लाख। ये तो बात पहले भी बता चुका हूं, हाउस प्रॉपर्टी में मैक्सिमम 2 लाख रुपए का लॉस सेट ऑफ करने का मौका मिलेगा। मतलब समझिएगा इस बात का, मान लीजिए आपको हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है कितने का, 2,70,000 का, तो आप मैक्सिमम कितना लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं, मैक्सिमम लॉस सेट ऑफ ₹2 लाख, और बाकी जो होगा बैलेंस 70,000 इट हैज टू बी कैरी फॉरवर्ड। ये आपको क्या करना पड़ेगा, कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो जब कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, तो नेक्स्ट ईयर अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी में इनकम आ गई है, अगर आपके पास इनकम आ गई है तो उस इनकम में से आप सिंपली ₹70,000 एडजस्ट करेंगे, सेट ऑफ करेंगे, और इस तरह से आप अपनी आगे की कॉन्टिन्यूटी बनाएंगे। आइएगा वापस नोट प्रोविजन। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात अभी मैं आपको बताऊंगा, इससे पहले एक और चीज देख लेते हैं। देयर इज नो कंडीशन दैट हाउस इज इन रेस्पेक्ट ऑफ विच A loss is being carried forward should be owned by the SSC in the year in which such brought forward loss is being set off. जब आप एक loss carry forward करते हैं ना, तो वो अगले साल कहलाता है brought forward loss. मतलब पीछे से लाया गया loss. अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास एक मकान था, A house property थी, आपको यहाँ पर loss हुआ, आपने ये loss carry forward किया अगले साल के लिए,
तो जब आपके लिए कैरी फॉरवर्ड लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस बना, तब आपके पास ये मकान ए नहीं रहा, तो कोई इशू नहीं है। हमें ये नहीं देखना कि वो मकान आपके पास है या नहीं है, हमें क्या देखना है कि आपका लॉस ब्रॉट कैरी फॉरवर्ड हुआ है या नहीं हुआ। भले ही आप उस मकान के ओनर ना रहे हो जिस मकान के लिए लॉस चल के आया है, हमें उसको नहीं देखना। हमें क्या देखना है, हमें आपके लॉसेस देखने हैं कि आपके पास लॉसेस हैं, आपने उसे कैरी फॉरवर्ड किया है तो हम आपको उसका बेनिफिट दे देंगे। क्लियर? अब एक बात समझिएगा, जब आप कहते हैं कि मेरे पास लॉसेस हैं, ये बात मैं इस सेक्शन के लिए नहीं, मैं आपको जनरल बता रहा हूं, जहां जहां ये बात लिखी मिलेगी मीनिंग सेम है। जब आप कहते हैं कि आपके पास कोई लॉसेस हैं और आप उसे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो मुझे ये बताइए सरकार को कैसे पता चलेगा कि आपके पास लॉसेस थे और आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो सरकार ने यहां पर एक कंडीशन डाली, सरकार ने बोला देखो अगर आप अपने लॉसेस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो आप सबसे पहले तो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में, रिटर्न ऑफ इनकम में हमें बता देना कि आपके पास कितने लॉसेस हैं जिसे आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। पहली बात तो ये समझ लो कि आप हमें ये बता देना कि आप कितने लॉस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। अगर आप अपनी रिटर्न ऑफ इनकम में हमें नहीं बताएंगे कि कितने लॉस हैं आपके, तो हम आपको कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट नहीं देंगे, हम आपको कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट नहीं देंगे। देखिए बुक पे क्या लिखा है, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 80 एंड 139(3) आर नॉट एप्लीकेबल टू सेक्शन 71(b) एंड एज सच लॉसेस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी कैरी फॉरवर्ड इवन इफ रिटर्न इज नॉट फाइल्ड। तो ये जो मैंने आपको रूल बताया ना कि सरकार ये कहती है कि आप जब भी अपने लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो आप हमें अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में बताएंगे कि आपने कितने लॉस कैरी फॉरवर्ड करे, तो ये वाला रूल इस वाले सेक्शन पर अप्लाई नहीं होगा। और जब मैं कहता हूं ये इस पर अप्लाई नहीं होगा तो इसका क्या मतलब है कि अगर आपने अपने हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करे हैं बिना अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल किए या बिना अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में बताए, तब भी हम आपके उन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, तब भी हम मान लेंगे कि हाँ आपने अपने लॉसेस कैरी फॉरवर्ड किए हैं। क्लियर? तो यहां पर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, इस बात का आप खास ध्यान रखेंगे, क्योंकि बाकी सेक्शंस में अप्लाई होगा, बाकी सेक्शन में लिखा हुआ मिलेगा कि यहां पर ये रूल अप्लाई होते हैं, हेंस आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना जरूरी होगा। आगे देखिएगा, सबमिशन ऑफ रिटर्न ऑफ लॉस ऑन और बिफोर द ड्यू डेट मेंशन अंडर सेक्शन 139 इज कंपल्सरी फॉर कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस बट द प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, सो इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड इवन इफ रिटर्न इज नॉट फाइल्ड एज पर 139(1)। सो 139(1) आपको रिटर्न ऑफ इनकम के चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा, आरओआई में, उसमें मैं बताऊंगा ये क्या कहता है। ये कहता है विद इन ड्यू डेट, कि आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी है विद इन ड्यू डेट। तो दिस सेक्शन सेज अगर आपने अपनी रिटर्न विद इन ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, विद इन ड्यू डेट ऑफ इनकम टैक्स जो भी आपको दी गई है उसमें नहीं भी करी होगी, तब भी आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट वी हैव अ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस अंडर हेड कैपिटल गेन। अब यहां पर आपको सेक्शन बताएगा कि कैपिटल गेन अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है। देखिएगा, सबसे पहले लॉसेस, अ लॉस अंडर हेड कैपिटल गेन विच कुड नॉट बी सेट ऑफ और वॉज नॉट होली सेट ऑफ इन द सेम असेसमेंट ईयर फ्रॉम अदर हेड ऑफ इनकम विल बी अलाउ टू कैरी फॉरवर्ड। ये आपको अलाउ हो जाएंगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, कितने साल, 8 साल। टू क्लेम इट एज अ सेट ऑफ इन द सब्सिक्वेंट ईयर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, तो ये कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो जाएंगे। मतलब अगर कोई ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेज हैं विच इज रिलेटेड टू द कैपिटल गेन,
तो सब्सिक्वेंट ईयर में भी किससे सेट ऑफ होंगे? केवल कैपिटल गेन से। ये तो एक जनरल रूल समझ लो, पुराने लॉसेस आने वाले सालों में केवल उसी हेड से सेट ऑफ होंगे जिस हेड के वो लॉस है। इन द फ्यूचर ईयर देखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आर अलाउड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मतलब अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो ये LTCG से और STCG दोनों से अलाउ हो जाएगा, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस हैं, दे आर अलाउड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आर अलाउड ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, नॉट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्लियर? एग्जाम्पल देखिएगा, कैपिटल लॉस पर्टेनिंग टू द प्रीवियस ईयर 2021 मीन्स असेसमेंट ईयर दिस, इट कैन बी कैरिड फ्रॉम दिस ईयर टू दिस ईयर। ये 8 साल होते हैं आपके। आगे देखिएगा, पीरियड ऑफ 8 ईयर कहां से स्टार्ट होंगे? जिस साल आपको ये लॉस इंकर होगा। कॉमन सी चीज है ये, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 80 एंड 139(3) आर एप्लीकेबल टू सेक्शन दिस एज सच। सो लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन कैन बी कैरी फॉरवर्ड ओनली व्हेन रिटर्न फाइल्ड अंडर सेक्शन 139। वन मीन्स रिटर्न फाइल्ड, यहां लिखिएगा रिटर्न फाइल्ड विद इन ड्यू डेट। तो अगर आपने रिटर्न ड्यू डेट के अंदर फाइल कर दी है तो आप कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे, अगर आपने रिटर्न ड्यू डेट के अंदर फाइल नहीं की है तो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। जबकि पिछले सेक्शन में देखिए यहां क्या लिखा है कि ये वाला सेक्शन आपके ऊपर नहीं लगता। इसका मतलब अगर आपने रिटर्न ड्यू डेट के अंदर फाइल नहीं की होगी, लिख लीजिए यहां पर लॉसेस अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी कैन बी कैरी फॉरवर्ड इवन इफ रिटर्न इज फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट। फाइल होना जरूरी है, फाइल होना जरूरी है। ड्यू डेट में फाइल ना हो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अगर मैंने पीछे शायद आपको ऐसा बोल दिया था कि रिटर्न फाइल नहीं होगी तब भी हो जाएगा, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। रिटर्न फाइल होगी विद इन ड्यू डेट जरूरी नहीं है, आफ्टर द ड्यू डेट भी चल जाएगी। यहां लिखिएगा लॉसेस आर अलाउड ओनली इफ रिटर्न फाइल्ड विद इन ड्यू डेट। ठीक है, इसी तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे सामने सेक्शन आएगा कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस। सिंपल सेक्शन है, मैं आपको बस मेन क्रक्स बता देता हूं यहां पर। सबसे पहली बात, जब आप इसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो ये इसी इनकम से सेट ऑफ होगा और किसी इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा। 4 सालों के लिए ही कैरी फॉरवर्ड होगा। रिटर्न फाइल करने की बातें यहां पर एप्लीकेबल हैं। इसका मतलब ये लॉसेस तभी कैरी फॉरवर्ड होंगे, ये लॉसेस तभी कैरी फॉरवर्ड होंगे जब रिटर्न आपकी ड्यू डेट के अंदर फाइल होगी। इसके बाद हमारे पास एक छोटी सी बात है, आपको लगेगा कि मैं थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूं बट यहां जरूरी है क्योंकि मैं इन सभी प्रोविजंस को अभी चार्ट के थ्रू आपको समझाऊंगा, बाकी तो आप इसे होमवर्क में रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसी कोई हाईफाई चीज नहीं है जो आपको समझ ना आए, और मेरे इतने मेहनत करने के बाद तो वैसे भी आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए। तो इतना मैं इम्प्लाइड मान के चलता हूं कि जब आप इसे पढ़ेंगे और मेरी उस 50 मिनट की स्टोरी को ध्यान में रखेंगे तो ये आपको सारी सेक्शन समझ आते जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस मस्ट बी सेट ऑफ इन द इमीडिएट सक्सीडिंग ईयर। ये सेक्शन कहता है, मान लीजिए आपने कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड किया, अगले साल वो ब्रॉट फॉरवर्ड बना, तो ये जो ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस है ये पहले सेट ऑफ होगा, ये पहले सेट ऑफ होगा। क्यों होगा? इसका लॉजिक मैंने आपको पीजीवीपी चैप्टर में भी बताया था कि जो पुराने लॉसेस हैं पहले आप उन्हें यूटिलाइज करिए, क्योंकि उनकी टाइम लिमिट खत्म हो जाएगी 8 साल बाद, 4 साल बाद, तो पहले आप उन्हें यूटिलाइज करो, अगर फिर भी बच रहा है तो अगले साल भेज दो। तो क्योंकि पुराने लॉसेस की 8 साल की लिमिट खत्म हो रही है, 4 साल की लिमिट खत्म होने वाली है, तो
तो लॉ मेकर सेज कि पहले आप पुराने लॉसेस को सेट ऑफ करना, बाद में नए वाले लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना। क्लियर? सो देखिए, लॉसेस विच आर एलिजिबल टू बी कैरी फॉरवर्ड मस्ट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम ऑफ द इमीडिएटली सक्सीडिंग ईयर एंड इफ देयर इज एनी बैलेंस स्टिल टू बी सेट ऑफ, इट शुड बी सेट ऑफ इन द इमीडिएटली नेक्स्ट सक्सीडिंग ईयर और ईयर विद इन द अलाउड टाइम लिमिट। तो यहां पर यह भी कह रहे हैं कि अगर पुराने लॉसेस आपके चले आ रहे थे तो उन्हें सेट ऑफ भी करना। आप ये नहीं कह सकते कि पुराने लॉसेस मेरे पास चले आ रहे थे, मेरा मन नहीं है सेट ऑफ करने का, तो मैं इसे सेट ऑफ नहीं करूं। आपको करने पड़ेंगे, आपको सेट ऑफ करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिएगा, बिजनेस लॉस। इसे आप होमवर्क में रीड करिएगा स्टूडेंट्स। ये कंप्लीट सेक्शन में आपको होमवर्क में दे रहा हूं, हाइलाइट्स बता देता हूं। बिजनेस लॉस केवल बिजनेस इनकम से सेट ऑफ होंगे, 8 सालों तक हो जाएंगे। उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस जो आपके पहले से चलते आ रहे हैं वो भी आपके सेट ऑफ हो जाएंगे, अगर वो इनहेरिटेंसेस के हैं, एमलगमेशन के हैं, कन्वर्जन के हैं, प्राइवेट लिमिटेड इनटू एलएलपी हैं, डीमर्जर हैं। तो वैसे अगर आप इन पॉइंट्स को नहीं भी देखेंगे तो ये आपके काम के नहीं है, बिकॉज दीज आर नॉट इन योर सिलेबस, ये आउट ऑफ सिलेबस है, तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। तीसरी बात इंपॉर्टेंट, ये वाले प्रोविजन एप्लीकेबल हैं, इसका मतलब आपको रिटर्न अपनी विद इन ड्यू डेट फाइल करनी पड़ेगी और रिटर्न भी फाइल करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट सेक्शन इज ऑल्सो योर होमवर्क। इसमें बात की गई है स्पेसिफाइड बिजनेस के लॉसेस हैं उसको कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। देखिएगा, इनडेफिनिट असेसमेंट ईयर है, कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी सालों तक कर सकते हैं। ये बात मैंने आपको पीजीपीपी में भी बताई है, पीजीपीपी में 35AD में मैंने बताया था कि इसके लॉसेस अनलिमिटेड ईयर्स तक सेट ऑफ होंगे। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन पर भी मैंने यही बात आपको बताई थी, अनलिमिटेड ईयर तक सेट ऑफ हो जाएंगे। ये देखिए लिखा भी होगा कहीं पर, अगेंस्ट द इनकम, नेक्स्ट पेज पर होगा स्टूडेंट, इनडेफिनेट लाइफ शैल बी अलाउड, नहीं लिखा नहीं है, लिख लीजिएगा इस बात को, अगर कहीं नहीं लिखा हुआ है तो। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू इनडेफिनेट लाइफ, ये आपके इनडेफिनेट लाइफ तक कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो प्लीज आप इसको होमवर्क में रीड कर लीजिएगा एक बार। ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ क्या रहेगा ये भी मैंने आपको बताया, सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप करंट ईयर का डेप्रिसिएशन सेट ऑफ करेंगे, उसके बाद आप पुराने लॉसेस सेट ऑफ करेंगे, फिर आप अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन सेट ऑफ करेंगे, फिर अनएब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर सेट ऑफ करेंगे, और फिर उसके बाद अनएब्जॉर्ब्ड एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग आप सेट ऑफ करेंगे। ये बात भी हम पीजीबीपी में कवर कर चुके हैं। अगर आपके पास स्पेक्यूलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट्स हैं, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट्स हैं, तो आप उसको 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और जब कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो सेम इनकम से ही सेट ऑफ किए जाएंगे और किसी इनकम से सेट ऑफ नहीं होंगे। ये इसमें बस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बाकी आप इसे होमवर्क में ही रीड करिएगा। नेक्स्ट आइएगा मेरे साथ, दैट्स इट। सो प्रोविजंस आपके यहीं तक हैं। अब देखिए मैं आपकी लाइफ कितनी आसान करने वाला हूं बाय शोइंग और एक्सप्लेनिंग दी चार्ट। आप इस चार्ट को देखिए, 5 मिनट के अंदर चार्ट आप रिवाइज कर पाएंगे, समझाने में मैं 10 से 15 मिनट लगाऊंगा, बट रिवीजन में या जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये चार्ट आपकी इतनी हेल्प करेगा कि इस चार्ट के अलावा आपको कुछ भी नहीं देखना होगा। ट्रस्ट मी, इस चार्ट के अलावा आपको कुछ भी नहीं देखना होगा। आइएगा नेक्स्ट पेज, दिस इज द समरी ऑफ सेट ऑफ ऑफ लॉसेस एंड कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस। सबसे पहला हेड मैं आपको दिखा दूं,
यहां पर सबसे पहले जो आपको पढ़ना है, मतलब जो आपको फोकस करना है, वो ये वाला बॉक्स है। क्या कहता है ये बॉक्स, पढ़िए। दिस बॉक्स सेज सेट ऑफ। ये बॉक्स क्या कहता है? सेट ऑफ। सेट ऑफ में भी पहला इंटर सोर्स सेट ऑफ, दूसरे नंबर पे इंटर हेड सेट ऑफ। जब आप सेट ऑफ कर लेंगे तो उसके बाद आप कहां पहुंच जाएंगे? कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड में बातें आती हैं दो, कितने साल तक और किससे। कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और किससे कैरी फॉर एडजस्ट कर सकते हैं। अब आप यहां पर समझिएगा, जहां पर मैंने इस तरह का साइन बनाया है राइट, इसका मतलब इट कैन बी, इट कैन बी सेट ऑफ। और जहां पर मैंने रॉन्ग का साइन बनाया है तो इसका मतलब नहीं कर सकते। जहां मैंने करेक्ट बनाया है कर सकते हैं, जहां मैंने रॉन्ग बनाया है नहीं कर सकते। मेरे साथ चार्ट को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये चार्ट का समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। सुनिए, देखिएगा, मैं यहां पर क्या कह रहा हूं आपसे, मैं यहां पर आपको बोल रहा हूं, अगर आपको सैलरी में लॉस है, यहां लिखिएगा नेचर लॉस। अगर आपको सैलरी में लॉस है, सर कैसी बातें कर रहे हो, सैलरी में तो लॉस हो ही नहीं सकता, सैलरी में तो लॉस हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैंने क्या लिखा है यहां पर बताइए, इसीलिए मैंने क्या लिखा है यहां पर, नॉट एप्लीकेबल। क्या लिखा मैंने? नॉट एप्लीकेबल। तो सैलरी के तो छोड़ ही दो। नेक्स्ट देखो, अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है, अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है, तो इंटर सोर्स, इंटर सोर्स मतलब सेम हेड का इंटर सोर्स, हाउस प्रॉपर्टी वन, हाउस प्रॉपर्टी टू, हाउस प्रॉपर्टी थ्री। तो अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है, तो क्या आप उसे इंटर सोर्स की, हाउस प्रॉपर्टी की किसी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं? कर सकते हैं, कर सकते हैं। यही तो हम पढ़ के आए कि एक सोर्स सेम हेड के दूसरे सोर्स से सेट ऑफ हो जाएगा। इसी तरह नॉन स्पेक्यूलेटिव का लॉस, नॉन स्पेक्यूलेटिव का लॉस क्या नॉन स्पेक्यूलेटिव के ही किसी दूसरे सोर्स से सेट ऑफ हो जाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा। अगर स्पेक्यूलेटिव में लॉस है, अगर स्पेक्यूलेटिव में लॉस है, तो क्या स्पेक्यूलेटिव का लॉस नॉन स्पेक्यूलेटिव से सेट ऑफ हो जाएगा? नॉन स्पेक्यूलेटिव से, देखिए, स्पेक्यूलेटिव का लॉस ये रहा, मैंने आपके साथ लिखवाया था, स्पेक्यूलेटिव का लॉस नॉन स्पेक्यूलेटिव के प्रॉफिट से सेट ऑफ हो जाएगा? नहीं होगा। तो इसलिए यहां पर क्या लिखा है, देखिएगा बुक पर, स्पेक्यूलेटिव का लॉस, स्पेक्यूलेटिव का लॉस नॉन स्पेक्यूलेटिव के प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं होगा, नहीं होगा। क्लियर? इसी तरह स्पेसिफाइड बिजनेस का 35AD का, 35AD का लॉस क्या किसी और के प्रॉफिट से सेट ऑफ हो जाएगा? आइए मेरे साथ, स्पेसिफाइड बिजनेस मैंने यहां लिखा है, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस किससे सेट ऑफ होगा? केवल और केवल 35AD के प्रॉफिट से सेट ऑफ होगा। तो इसलिए यहां पर क्या लिखा है, 35AD के लॉसेस किसी और के प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं होंगे, किसी और के प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं होंगे। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन किसी और से हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंस ऑन साइंटिफिक रिसर्च हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंस ऑन फैमिली प्लानिंग हो जाएगा। इसी तरह शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल से, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म से नहीं होगा। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? इसी तरह से देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर आपको लॉस है ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस में, अगर आपको लॉस है
तो आप उसे किसी और प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं कर सकते। आपको विनिंग फ्रॉम लॉटरी में लॉस है तो आप इसे किसी और प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं कर सकते। अगर आपको इंटरेस्ट के अंदर लॉस है, अगर आपको इंटरेस्ट के अंदर लॉस है तो आप उसे किसी भी प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हैं विद इन द हेड ऑफ अदर सोर्सेज, विद इन द हेड ऑफ अदर सोर्सेज। तो इसको कैसे रीड करना है आपको, सिंपल समझिए। यहां पर आप रखिए जितने भी आपके लॉसेज हैं और यहां पर आप रखिए प्रॉफिट्स को, और जहां करेक्ट का साइन है वहां इसका मतलब आप सेट ऑफ कर सकते हैं, जहां रॉन्ग का साइन बना हुआ है इसका मतलब वहां पर आप इसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। सिमिलरली देखिए इंटर हेड सेट ऑफ, इंटर हेड सेट ऑफ, इंटर हेड सेट ऑफ में आप कह रहे हैं कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस इंटर हेड मतलब किसी दूसरे हेड से, किसी दूसरे हेड से, सैलरी से, पीजीबीपी से, कैपिटल गेन से, अदर सोर्सेस से सेट ऑफ कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितना, 2 लाख, मैक्सिमम कितना, 2 लाख। क्या नॉन स्पेक्यूलेटिव का लॉस किसी दूसरे हेड से, किसी दूसरे हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन किससे नहीं कर सकते, सैलरी से। किससे नहीं कर सकते, सैलरी से। इसी तरह स्पेक्यूलेटिव का लॉस क्या किसी दूसरे हेड की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस किसी दूसरे हेड की इनकम से? नहीं कर सकते। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का लॉस, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का लॉस किसी दूसरे हेड से कर सकते हैं, लेकिन सैलरी के अलावा। सैलरी और किसके अलावा लिखिएगा यहां पर, सैलरी एंड कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम इससे भी नहीं कर सकते। सैलरी एंड कैजुअल इनकम इससे भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट, कैपिटल साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा किसी और से सेट ऑफ कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन सैलरी एंड कैजुअल इनकम इससे नहीं कर सकते। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं सैलरी एंड कैजुअल इनकम को छोड़कर। कैपिटल गेन में शॉर्ट टर्म का लॉस क्या दूसरे हेड से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म का लॉस नहीं कर सकते। ये बात तो मैंने पढ़ाई दी अभी, प्रोविजन में ही पढ़ाई दी कि अगर कैपिटल लॉस है, चाहे वो शॉर्ट टर्म है चाहे वो लॉन्ग टर्म है, फ्यूचर में, सॉरी, जब भी वो सेट ऑफ होगा तो वो इंटर हेड सेट ऑफ नहीं होगा। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों से हो सकता है, लॉन्ग टर्म केवल शॉर्ट टर्म से हो सकता है, आपस में ही घूमेंगे बाहर नहीं जाएंगे। इसी तरह अदर सोर्सेज में ओनिंग मेंटेनेंस नहीं हो सकता, विनिंग फ्रॉम लॉटरी नहीं हो सकता, इंटरेस्ट हो सकता है किसी दूसरी इनकम से, चाहे आप सैलरी से करवा लो, चाहे आप स्पेक्यूलेटिव से करवा लो, चाहे आप नॉन स्पेक्यूलेटिव से करवा लो, चाहे कैपिटल गेन से करवा लो, लेकिन इसके लॉस दूसरी इनकम से सेट ऑफ हो सकते हैं। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? अब आइएगा, मैंने इंटर सोर्स सेट ऑफ कर लिया, मैंने इंटर हेड सेट ऑफ कर लिया, नाउ आई एम मूविंग टू दी कैरी फॉरवर्ड। अभी भी मेरे पास लॉस बचे हैं जिसे मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं। तो जब आप इन्हें कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो ध्यान रखिएगा, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा, और जब कैरी फॉरवर्ड होगा तो सेम हेड से ही सेट ऑफ होगा। नॉन स्पेक्यूलेटिव 8 साल तक जाएंगे, सेम हेड से ही सेट ऑफ होंगे। स्पेक्यूलेटिव 4 साल तक जाएंगे और सेम हेड से ही सेट ऑफ, कि सेम सोर्स से ही सेट ऑफ होंगे। सोर्स का मतलब स्पेक्यूलेटिव है तो स्पेक्यूलेटिव से ही सेट ऑफ करना है और किसी से सेट ऑफ नहीं होगा। अगर स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस है, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस है सेक्शन 35AD के, तो इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, कितने भी साल तक आप इसे कैरी फॉरवर्ड करिए कोई दिक्कत नहीं है, और सेम सोर्स से सेट ऑफ किए जाएंगे। अगर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है कोई लिमिट नहीं है। एनी इनकम एक्सेप्ट सैलरी, सैलरी और कैजुअल इनकम को छोड़कर किसी से भी सेट ऑफ हो जाएंगे। आगे देखिएगा, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर है कोई लिमिट नहीं है, सैलरी एंड कैजुअल इनकम को छोड़कर किसी से भी सेट ऑफ कर लेना। फैमिली प्लानिंग कोई लिमिट नहीं है, सैलरी और कैजुअल इनकम को छोड़कर किसी से भी सेट ऑफ कर लेना। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है,
8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर लो, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म किसी से भी सेट ऑफ कर लो। लॉन्ग टर्म है 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर लो, केवल लॉन्ग टर्म से सेट ऑफ करना। और इन तीन के केस में 4 साल आप ओनिंग मेंटेनिंग को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, सेम सोर्स से सेट ऑफ कर लीजिएगा। लेकिन विनिंग फ्रॉम लॉटरी में कैरी फॉरवर्ड पॉसिबल नहीं है, इसलिए सेट ऑफ भी पॉसिबल नहीं है। इंटरेस्ट में भी कैरी फॉरवर्ड पॉसिबल नहीं है, सेट ऑफ भी पॉसिबल नहीं है। कैरी फॉरवर्ड में सेट ऑफ पॉसिबल नहीं है, मतलब मैं कह रहा हूं कि जब कैरी फॉरवर्ड ही पॉसिबल नहीं है तो फिर सेट ऑफ तो अपने आप ही बंद हो गया। जब आप कैरी फॉरवर्ड ही नहीं करके लाए तो फिर सेट ऑफ क्या करोगे। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, ये है वो पूरा चार्ट जो आपको ध्यान रखना है, याद रखना है जब भी आप सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजन अप्लाई करेंगे। मैंने यहां पर अभी मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, उससे आपका ये कॉन्सेप्ट और इंप्रूव हो जाएगा। बट मैं यहां पर आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा, आप इन प्रोविजंस को होमवर्क में जो मैंने दिया है पढ़िएगा जरूर, एक बार रीडिंग करेंगे जरूर, लेकिन मेन जब भी हम अपने कॉन्सेप्ट देखेंगे, रिविजन करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो इस चार्ट को फॉलो करिएगा। ये चार्ट काफी मेहनत के साथ बना है और हर चीज को सोच समझ कर बनाया गया है ताकि यहां पर कोई भी चीज छूट ना पाए, तो इस चीज का आप खास ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पेज से क्वेश्चंस हैं, मैंने काफी सारे क्वेश्चन दिए हैं प्रैक्टिस के लिए और ये क्वेश्चंस आपके स्टडी मटेरियल के ही सारे क्वेश्चन हैं। तो आपके स्टडी मटेरियल में जितने भी इलस्ट्रेशंस थे, इलस्ट्रेशंस प्लस प्रॉब्लम्स जो आखिरी में आपको दी होती है चैप्टर के आखिरी में, वो मैंने यहां पर रखी है। तो मेन सॉल्यूशन मतलब मेन आंसर मैंने इनके दे दिए हैं। अगर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देखने होंगे तो प्लीज आप ICAI का स्टडी मटेरियल रेफर कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस मैंने वहीं से लिए हैं, एक भी क्वेश्चन इसमें बाहर का नहीं है। तो आप उसके सॉल्यूशन रेफर करेंगे, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अदरवाइज आप कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं तो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपको यहां पूरी मिली हुई है। अब आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होंगे। जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा, अगर उन क्वेश्चन में कहीं आपको डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप ICAI SM रेफर कर सकते हैं उनके सॉल्यूशंस के लिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर ए जिनकी एज 35 ईयर है, सबमिट कर रहे हैं आपको ये कुछ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। उन्होंने बोला हमारे पास इनकम फ्रॉम सैलरी है कंप्यूटेड, कंप्यूटेड का मतलब 50,000 रुपए की डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको दे दी गई है। लॉसेस हैं उनके पास सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के, मतलब SO प्रॉपर्टी है तो 70,000 लॉसेस है। एक लॉस है उनको लेट आउट प्रॉपर्टी का, तो ये लेट आउट प्रॉपर्टी हो गई, उसका लॉस हो गया। टोटल लॉस कितना हो गया, 150 और 70, मतलब 220,000। लेकिन मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड कितना हो सकता है, सेट ऑफ कितना हो सकता है, 200,000, है ना। आगे देखो, बिजनेस लॉस है उनके पास 100,000 और बैंक इंटरेस्ट FD का है उनके पास 80,000। अब आपको बताना है टोटल इनकम, तो अब आप बताएंगे टोटल इनकम इनकी कैसे आएगी। सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए, देखिए यहां पर लिखिएगा आप मेरे साथ इसके इसको। क्वेश्चन नंबर 1, कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। सबसे पहले इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। अब इसके अंदर आप लिखिए ए लेट आउट प्रॉपर्टी, बी पे लिखिए सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो लेट आउट में आप क्या लिखेंगे, लेट आउट में कितना लॉस है आपको, 150 और 70। तो लेट आउट में आपको 150 का लॉस है, यहां आपको 70,000 का लॉस है, टोटल लॉस 220,000। अब आप इसे लिखेंगे यहां पर सेट ऑफ अगेंस्ट। बताइए आप इस लॉस को, ये जो आपको 220,000 का लॉस है, इसको किसके अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं। चार्ट देखिए, मैं अब यहां से इरेज कर देता हूं इसे।
मैं इसको कर देता हूं यहां से इरेज, ताकि आप यहां पर पूरा देख पाए। ये लीजिए मैंने कर दिया इरेज। अब बताइए, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस, सेम सोर्स तो आपके पास है नहीं, आपके पास दो मकान थे, एक लेटआउट था एक सेल्फ ऑक्यूपाइड था, दोनों में ही लॉस था, तो सेम इंटर सोर्स तो आपके लिए खत्म हो गया, इंटर सोर्स तो अब आप कर नहीं पाएंगे। अब आप पहुंचेंगे किस पर, इंटर हेड पर। तो बताइए हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 2 लाख रुपए तक एडजस्ट हो सकता है, किससे, किसी से भी, किससे, किसी से भी। तो अब आपको देखना होगा कि आपके पास कहां पर प्रॉफिट है। आपके पास सर सैलरी में प्रॉफिट है कितने का, 4 लाख का, तो आप यहां से एडजस्ट कर लो। अगर मान लो सैलरी नहीं होता तो हम बैंक इंटरेस्ट से कर लेते 80,000, लेकिन 80 तक ही कर पाते है ना। तो अब आप यहां लिखिए सेट ऑफ अगेंस्ट दी इनकम अंडर हेड सैलरी, तो आप 2 लाख रुपए मैक्सिमम यूटिलाइज कर रहे हैं। बाकी बचा 20,000, उसका क्या करेंगे सर, इसे हम कहेंगे कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। आपने 20,000 रुपए कैरी फॉरवर्ड कर दिया, तो इस तरह से हाउस प्रॉपर्टी में आपकी इनकम कितनी आ गई, निल। ये पूरी इसकी इंटरनल वर्किंग है, याद रखिएगा ये पूरी इंटरनल वर्किंग है, आपको एग्जामिनर को दिखा के आनी है ये वर्किंग। अब आइए दूसरे नंबर पर, आप पहुंचे दूसरे नंबर पर, आते हैं बिजनेस इनकम। अभी कॉन्टिन्यूएशन में ही चल रहा है ये, इनकम अंडर हेड पीजीबीपी। तो पीजीबीपी में आपको क्या दिया हुआ है, यहां पर आपको दिया है बिजनेस का लॉस कितना है, 1,10,000, 1 लाख बिजनेस लॉस 1 लाख। बताइए बिजनेस का लॉस किससे सेट ऑफ हो सकता है। अच्छा क्वेश्चन में ये नहीं बोला किसका बिजनेस है, मतलब किस चीज का बिजनेस है, स्पेक्यूलेटिव है नॉन स्पेक्यूलेटिव है, तो आप मान के चलेंगे नॉन स्पेक्यूलेटिव है। अगर क्वेश्चन ना बोले कौन सा है, तो आप मानेंगे नॉन स्पेक्यूलेटिव है। तो बताइए नॉन स्पेक्यूलेटिव, नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस लॉस किससे सेट ऑफ हो सकते हैं। देखिए इंटर सोर्स तो आपके पास है नहीं, इंटर सोर्स होता तो बात ही खत्म हो गई। अब आप पहुंचे इंटर हेड पर, तो इंटर हेड में ये कह रहा है सैलरी से नहीं कर सकते, सैलरी से नहीं कर सकते, किससे कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं सैलरी के अलावा किसी से भी। तो सैलरी के अलावा कहां पर आपके पास प्रॉफिट है, हाउस प्रॉपर्टी में आपके पास लॉसेस थे, बिजनेस में खुद लॉस है, तो आपके पास एक ही इनकम बची इंटरेस्ट की इनकम, और इससे ये एडजस्ट हो जाएंगे। आइए यहां पर आप लिखिए बिजनेस लॉस 1 लाख और माइनस करिए सेट ऑफ अगेंस्ट इंटरेस्ट इनकम, तो कितना एडजस्ट करेंगे आप, 80,000, बचा कितना 20,000, और इस 20,000 को आप क्या बोलेंगे, कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। क्लियर, तो पीजीबीपी की इनकम कितनी आ गई, निल आ गई। अब तीसरे नंबर पे आइए, आपके पास एक इनकम और है, इनकम अंडर हेड सैलरी। अब देखो सैलरी में आपकी इनकम कितनी थी, सैलरी में सर आपके पास थी इनकम 4 लाख रुपए, लेकिन आपने 4 लाख रुपए का क्या किया, यहां लिखिए इनकम अंडर हेड सैलरी, यहां पर आप लिखेंगे 4 लाख और उसमें माइनस करिए सेट ऑफ अगेंस्ट, किससे सेट ऑफ करवा दिया था आपने अभी, हाउस प्रॉपर्टी से, कितना 2 लाख रुपए। तो सेट ऑफ अगेंस्ट लॉसेस अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी, सेट ऑफ अगेंस्ट लॉसेस अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी, आपने 2 लाख रुपए सेट ऑफ करवा दिया था, तो आपके पास नेट इनकम कितनी बची, 2 लाख। अब आप बताइए ग्रॉस टोटल इनकम आपकी कितनी आएगी, ये है 0, ये है 0 और यहां है 2 लाख, तो कितना आ जाएगा, 2 लाख। दैट्स इट, ये इसकी प्रेजेंटेशन भी है
और ये इसका आंसर भी है। हालांकि ये अभी क्वेश्चन अधूरा है क्योंकि अब आपको यहां पर नोट देके आने पड़ेंगे। आप बोलेंगे एज पर प्रोविजंस हाउस प्रॉपर्टी लॉसेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम ऑफ सैलरी बट मैक्सिमम अप टू रुपीज 2 लाख। नोट नंबर 1। दूसरे में आप क्या लिखेंगे? बिजनेस लॉसेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम अंडर एनी हेड एक्सेप्ट द सैलरी। तीसरे नंबर पे आप लिखेंगे लॉसेस या इसी में लिख लीजिएगा एंड लॉसेस ऑफ रुपीज 20 शैल बी कैरी फॉरवर्ड। अब यहां पर आपको देखना है कितने नंबर का क्वेश्चन है। अगर नंबर ज्यादा हो तो यहां पर आप पूरी कहानी लिखिएगा कि ये हम ये लॉस इतने सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं ये सब वो सब। तो यहां पर आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, वर्किंग नोट भी देने हैं और ये वर्किंग नोट आपको कोई रट के नहीं जाने। आप सेक्शन छोड़िए, इस चार्ट को पढ़िए। जो ये चार्ट आपको कहता हो आप उसके हिसाब से यहां पर अपनी लैंग्वेज लिखिए। चार्ट क्या कहता है? हाउस प्रॉपर्टी के लॉस 2 लाख तक कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ होंगे। आप लिखिए लॉसेज अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अप टू मैक्सिमम ऑफ रुपीज 2 लाख एंड द बैलेंस लॉसेस शैल बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द 8 असेसमेंट ईयर एंड इन द सब्सिक्वेंट ईयर सेम कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट द सेम इनकम। क्लियर है? तो इस तरह के नोट आपको यहां पर देने होंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, मैंने इसका आंसर भी दिया हुआ है। यहां पर देखिए ग्रोस टोटल इनकम इंक्लूड सैलरी इनकम ऑफ 2 लाख आफ्टर एडजस्टिंग अ 2 लाख रुपीज फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी बैलेंस 20 फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शैल बी कैरी फॉरवर्ड और बिजनेस लॉस 1 लाख के हैं जिसमें बैंक इंटरेस्ट 80 है तो ये एडजस्ट हो जाएंगे और रिमेनिंग बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। उसके बाद लिखा है ये सेट ऑफ नहीं हो सकते सैलरी इनकम से। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 सेज मिस्टर बी हैं, रेजिडेंट हैं, इंडिविजुअल हैं, प्रीवियस ईयर 2021 के लिए कुछ इंफॉर्मेशन दी है, सैलरी इनकम है 45,000, हाउस प्रॉपर्टी में इनकम है 24,000 लॉस, नॉन स्पेक्यूलेटिव में लॉस है 22,000 का, स्पेक्यूलेटिव में लॉस है 4,000 का, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 25,000 के और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 19,000 के। व्हाट इज द टोटल इनकम चार्जेबल टू टैक्स? टोटल इनकम बतानी है। आइए कैसे करेंगे इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, इनकम अंडर हेड सैलरी। आप क्या करिएगा, इनको ना इंटरनल कॉलम्स में रखिएगा। मतलब ये आपका फाइनल अमाउंट का कॉलम है, आप इन्हें रखिएगा इंटरनल। तो यहां पर आप रखेंगे इनकम अंडर हेड सैलरी कितनी दी है आपको क्वेश्चन में, 45,000। क्योंकि यू नेवर नो ना कि आपको किससे एडजस्ट करना पड़ जाए। फिर आप लिखिए हाउस प्रॉपर्टी में क्या है आपका लॉस है, ये लिखिए। दूसरे नंबर पे लिखिए इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी कितने का लॉस है आपको, 24,000 का। आगे नॉन स्पेक्यूलेटिव में 22,000 का लॉस है, इनकम अंडर हेड पीजी बीपी इसमें आप लिखेंगे नॉन स्पेक्यूलेटिव लॉस कितने का है जी, 22,000 का। उसके बाद आप लिखिए 4,000 का स्पेक्यूलेटिव में लॉस है, 4,000 का आपको
लॉस अंडर स्पेक्यूलेटिव। स्पेक्यूलेटिव में है 4,000 का लॉस। आगे 25,000 का आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। इसको नेक्स्ट पेज पर ले जाते हैं, लॉस अंडर कैप गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म ही है ना जी, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितने का है? 25 का। नेक्स्ट आइएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG कितने का है? 19,000 का। अब देखिए एडजस्टमेंट करना शुरू करेंगे इसकी, देखिएगा। सो यहां पर हम क्या देखेंगे, जो आपके लॉसेस हैं हम उनको यूटिलाइज करेंगे पहले। अब कैपिटल गेन से ही शुरू करते हैं। आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, चेक करिए चार्ट में, क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म से एडजस्ट हो सकता है? आपने बोला शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दूसरे हेड से, मतलब दूसरे सोर्स से हो सकता है, इसका मतलब इट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट, इट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो इसका मतलब आप यहां लिखिएगा सेट ऑफ अगेंस्ट STCL। यहां आप डालिए 19,000, क्योंकि आपके पास लॉस कितना है, प्रॉफिट कितना है? 19। तो सेट ऑफ भी कितना कर पाएंगे? 19। और यहां लिखिए 19,000 हमने सेट ऑफ कर दिया अगेंस्ट LTCG। अब आपके पास लॉस रह कितना गया? 6,000। इसको क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो ये दोनों खत्म, आउटर कॉलम में क्या आ गया? निल निल। पीछे चलिए, यहां तो आपके पास लॉस है, इसको तो कुछ करेंगे ही नहीं, ये निल ये निल। अच्छा सुनिए, क्या ये वाले लॉस आप सैलरी के प्रॉफिट से एडजस्ट कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। देखिए चार्ट में, बिजनेस लॉस चाहे नॉन स्पेक्युलेटिव हो, स्पेक्युलेटिव हो, एडी हो, अनएब्जॉर्ब्ड हो, कैपिटल हो, ये हो वो हो, सैलरी किसी को नहीं लाने देगी। सैलरी सबको मना करती है। सैलरी किसको इनवाइट करती है? सैलरी कहती है हाउस प्रॉपर्टी का मेरे यहाँ स्वागत है, इंटरेस्ट का मेरे यहाँ स्वागत है, बाकी कोई भी मेरे पास मदद मांगने ना आए। तो यहां पर आप क्या बोलेंगे? ये मेरे कैरी फॉरवर्ड हो गए। लीजिए कैरी फॉरवर्ड 22,000, कैरी फॉरवर्ड 4,000। तो आउटर कॉलम में पहुंच गया निल। हाउस प्रॉपर्टी के जो लॉसेस हैं ये सैलरी से सेट ऑफ हो जाएंगे। सेट ऑफ ऑफ सेट ऑफ अगेंस्ट HP कितना? 24। कितना बच गया? 21। और यहां पर आप क्या लिखेंगे? सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी 24। तो यहां पर आ गया निल। अब बताइए 21 और बाकी हैं आपके निल, कितना आ गया? 21। ये आपकी आ गई टोटल इनकम। कोई डाउट यहां तक? कोई कंफ्यूजन नहीं? आइएगा देखिएगा स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 मिस्टर सी हैज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस। अब उनके पास है पुराने लॉसेस, पुराने लॉसेस। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर 1,50 है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस असेसमेंट ईयर 19-20 का 96 है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस असेसमेंट ईयर 20-21 का 37,000 है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उनका 75,000 है। अब आपको बताना है, अब आपको ये बताना है कि उनका कैपिटल गेन कितना टैक्सेबल होगा असेसमेंट ईयर 20-21 के लिए। तो देखो आपके पास एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 1,50 का। अब आप ये देखो क्या आप पुराने लॉसेस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस, पुराने लॉसेस
पुराने लॉसेस चार्ट पर आइए, पुराने कैपिटल लॉसेस लॉन्ग टर्म, ये रहे लॉन्ग टर्म, पुराने वाले लॉसेस आप किससे सेट ऑफ कर सकते हैं, ओनली लॉन्ग टर्म से। तो आपके पास अब क्वेश्चन में क्या दिया है, लॉन्ग टर्म ही तो दिया है क्वेश्चन में, आपको क्या दिया है, लॉन्ग एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने हैं आपके पास, 75,000। आप 75 में से क्या एडजस्ट करेंगे, आप 75 में से बोलेंगे कि सर 75 मेरे पूरे एडजस्ट कर दो, क्योंकि आप ये दोनों एडजस्ट कर सकते हो। तो ये आपका निल हो गया, ये वाला हिस्सा आपका निल हो गया। अब बचा 1,50, तो उस 1,50 का ब्रेकअप सुनो। 1,50 में से आप, आपके पास क्या बचा, ये 75 मेरा पूरा एडजस्ट हो गया इनके अगेंस्ट, अभी भी इसमें बच रहा है कुछ। अब मेरे पास है ये शॉर्ट टर्म, तो शॉर्ट टर्म के लिए क्या था, तो ये वाले 96,000 में से आपने 75,000 यहां एडजस्ट कर लिए। यहां पर आप लिखिए 96 - 75, जो बैलेंस बच गया वो आपका कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। और ये जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 1,50 का, इसमें से आप ये 37,000 रुपए का, ये 37,000 रुपए का लॉस एडजस्ट करिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, देखिए ना चार्ट पर एक बार, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तो ये आप एडजस्ट करिए कितना आएगा, 1,50 में से 37 चले जाएंगे, कितना बचेगा, 1,13,000। तो ये आपका टैक्सेबल कैपिटल गेन है, क्योंकि ये तो आपका निल हो ही चुका है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स इस तरह से हैं ये क्वेश्चंस जो आपको यहां पर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के लिए करने हैं। ऑल्दो इस पर स्ट्रेट अवे कोई क्वेश्चन बनने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन आपको एक कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन में इसका एक पॉइंट डाल दिया जाएगा, जहां पर आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवा के आपकी नॉलेज टेस्ट करवा ली जाएगी। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं आगे तक मैं देख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 मैंने कहां तक क्वेश्चन रखे हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 12, 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 16 क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 4 to 16 ऑल आर होमवर्क, सारे के सारे ICAI स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हैं, आप करिए। अगर आप कहीं फंसते हैं, स्टक होते हैं, तो आप इनके सॉल्यूशन वहां से रेफर कर सकते हैं, केवल सॉल्यूशन रेफर करिएगा। कॉन्सेप्ट पर अगर आप कहीं फंसते हैं तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी, कॉन्सेप्ट के लिए मैं बैठा हूं। सॉल्यूशन अगर आप देखना चाहते हैं तो आप स्टडी मटेरियल रेफर करिएगा, अदरवाइज आप इसे खुद से सॉल्व करिएगा, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, प्रेजेंटेशन भी आपको समझ आ जाएगी। बट अगर कहीं कॉन्सेप्ट पर स्टक होंगे तो प्लीज आप मुझे कनेक्ट करिए, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगा। तो स्टूडेंट्स छोटा सा चैप्टर था, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी इसमें कोई बातें नहीं थी, क्वेश्चंस मैंने ज्यादा दे दिए हैं इस पर प्रैक्टिस के लिए, तो आप प्रैक्टिस करिए, कॉन्फिडेंस आपका अपने आप बिल्डअप हो जाएगा। इस चैप्टर में मेरी तरफ से इतनी ही बातें थी जो मैं मुझे आपके साथ करनी थी। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो प्लीज मुझे कनेक्ट करिएगा, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन दिस आस्पेक्ट। नाउ आज की क्लास को हम यही रोक देते हैं, कॉन्सेप्चुअली द चैप्टर हैज बीन ओवर। नेक्स्ट क्लास में अब मैं आपको बता देता हूं हमारे कौन कौन से टॉपिक रह गए हैं, फिर मैं उसके बाद आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट टॉपिक में आपके साथ क्या डिस्कस करने वाला हूं। सो अभी जो हमारे टॉपिक रह गए हैं जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने हैं, उसमें सबसे पहला टॉपिक है डिडक्शन। डिडक्शंस का अपना एक चैप्टर है, टीडीएस प्लस टीसीएस प्लस एडवांस टैक्स, तो ये दोनों मैं एक साथ कवर करूंगा और इसको मैं अलग चैप्टर बना के चलूंगा, एडवांस टैक्स। तीसरे नंबर पर मेरे साथ जो टॉपिक है वो, मेरे पास जो टॉपिक है वो रिटर्न ऑफ इनकम। बस ये तीन हमारे टॉपिक अभी रहते हैं। अप्रोक्सीमेटली 4 क्लासेस मेरे को डिडक्शन पर लगेंगी, अप्रोक्सीमेटली ही 4 क्लासेस मेरे को इस पर लगेंगी और 2 क्लास इस पर लगेंगी। तो इसीलिए मैंने आपको 10 अप्रैल तक का एक पूरा सिलेबस दे रखा है कि 10 अप्रैल तक हम अपना इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे,
फिर उसके बाद मैं आपके साथ लेके आऊंगा लाइव सेशंस। उस लाइव सेशंस में क्या होगा सुनिएगा, आईसीएआई के पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस किए जाएंगे। हम क्या करेंगे, हर एक लाइव सेशन में एक अटेम्प्ट का क्वेश्चन उठा लेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द मई 18। तो मई 18, मई 19, मई 19, नवंबर 19, मई 20 में एग्जाम हुआ नहीं था, नवंबर 20 में दो बार हुए थे, तो वो हम सारे एक एक लाइव सेशन में सॉल्व करेंगे। इसके साथ एक लाइव सेशन आरटीपी पर होगा, एक लाइव सेशन होगा बहुत ही खास एमसीक्यू, 2 से 3 घंटे का लाइव सेशन लेंगे, और उसमें जो आईसीएआई ने जो एमसीक्यू की बुकलेट निकाली है, इस बुकलेट को पूरा डिस्कस करेंगे। हर एक एमसीक्यू को सॉल्व करते जाएंगे स्पीड से का मतलब आप मेरे सामने लाइव सेशन में होंगे, मैं क्वेश्चन यहां से देखूंगा, आप मुझे कमेंट में बोलेंगे डाउट है तो मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा और डिस्कस करके फाइनल आंसर देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर आप बोलेंगे इसमें कोई डाउट नहीं है तो उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे चले जाएंगे। तो इस तरह से हम मैक्सिमम एमसीक्यू अपने वहां से कवर कर लेंगे ताकि एग्जाम से पहले हमें कॉन्फिडेंस भी आ जाए। तो जिन स्टूडेंट्स को ये फियर है, ये डर है कि हम क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करेंगे, तो प्लीज थोड़ा सा, जब आपने इतना दिन मेरा साथ दिया है तो केवल 10 दिन की बात और है स्टूडेंट्स, मुझे 10 दिन और दे दो, 10 दिन मुझे मेरे तरीके से कोर्स कंप्लीट करने दो, मुझे मेरे तरीके से कॉन्सेप्ट समझाने दो, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चंस पर भी आऊंगा और ट्रस्ट में मैं आपको इतने क्वेश्चंस करा दूंगा कि आप खुद कहेंगे सर बस अब बंद कर दो, अब हमें क्वेश्चन नहीं करने, अब हमें बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं। तो प्लीज मेरे साथ कोऑपरेट करिए, थोड़ा सा 10 दिन की और बात है, जहां आपने 2-2.5 महीने मुझे झेला है 10 दिन और झेल लो, ठीक है। तो 10 दिन बाद हम अपने स्टार्ट करेंगे लाइव सेशन जिसमें हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, हम कोई कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट करेंगे क्वेश्चन के रिगार्डिंग करेंगे, हम चैप्टर अपने सारे ओवर कर देंगे, केवल 3 चैप्टर मेरे रह गए हैं। हाँ एक और बात, मुझे एक डेडिकेटेडली क्लास चाहिए, स्पेसिफिक मुझे क्लास चाहिए, रिकॉर्डेड ही होगी ऑब्वियसली, रिकॉर्डेड क्लास ऑन सेक्शन 115 BAC प्लस AMT अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, तो इस पर मैं एक अलग से रिकॉर्डिंग दूंगा आपको। तो ये मेरी एक क्लास का और है, ये अलग से रिकॉर्डिंग आपके पास आएगी, इसका इन 3 चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल ये आता है सर नेक्स्ट क्लास आप किसकी कराओगे, नेक्स्ट क्लास में आप क्या स्टार्ट करने वाले हो? तो नेक्स्ट क्लास में आपके साथ जो स्टार्ट करने वाला हूं वो डिडक्शन स्टार्ट करने वाला हूं। नेक्स्ट क्लास आपकी कल मिलेगी आपको यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैं आपके सामने लेके आऊंगा एक नया चैप्टर डिडक्शंस, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं, मेरी तरफ से केवल इतना ही डिस्कशन था जो मुझे आपके साथ करना था। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अपने सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे होमवर्क में, और अगर कहीं डाउट होगा, कहीं इशू आएगा कंसेप्चुअली और कहीं पर क्वेश्चन वाइज भी, तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। चलिए आज की इस क्लास को यहीं रोक देते हैं, जल्द ही मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।